प्रॉब्लम स्टेटमेंट लॉजिकल भी मैंने छोड़ा है, तो मैंने कहा था वहाँ पे जो एम्पिटी की बात ये हो गया और एक आप कर रहे हैं स्टार्ट कर ये दो ही है ना जो ज्योमेट्री की कुछ डेफिनेशन में फैक्टर वो मैं आपको बाजार में मैं दे दूंगा वो आपको क्या मुश्किल कर रहा हूँ सर फिर ज्योमेट्री की डेफिनेशन बुक में तो मैंने ऐड की है पर क्या आपसे बुक में तो डेफिनेशन ऐड है अच्छा एक अब रहता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक रहता है लॉजिकल और एक स्टैट ये आप अच्छा कंप्लीट कर देते हैं पेज नंबर 51 पे पेज नंबर 51 से है प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपके पास ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रहा है और इसके बाद जो लॉजिकल आ रहा है ये दोनों एक जैसे चैप्टर है बुक के अंदर तो मैंने दोनों को एक चैप्टर लिखा हुआ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोनों को मैंने वहां मर्ज कर दिया लेकिन क्वेश्चन सारे वहां पर पेज नंबर 51 पे है अच्छा ये जो चैप्टर है ना इसमें आपके पास क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट है क्वेश्चन होंगी उनको आप लोगों ने इक्वेशन आप लोगों ने उनकी बनानी है इक्वेशन बनाने के बाद आते हैं कुछ क्वेश्चन करते होंगे जो इक्वेशन बनाए बगैर वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे जैसे आपके लॉजिकल क्वेश्चन लॉजिकल प्रॉब्लम है ना उनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें इक्वेशन आपको बनाने की जरूरत नहीं भी होगी लॉजिकली वो सॉल्व हो जाएंगे कुछ क्वेश्चन की इक्वेशन बनेंगे स्टेटमेंट टाइप आपके क्वेश्चन है लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आप कह लो कि सी एस उसके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप इसके पेज नंबर 53 पे देखोगे तो 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास पेपर का है 2017 में लॉजिकल प्रॉब्लम्स के अगर आप पास में तीन क्वेश्चन देखोगे 56 पेज पे आपने चार क्वेश्चन 31 32 33 34 56 पेज पे ये आप लोगों के 2017 और 2019 के पेपर में आए इसका मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन भी आप लोगों के सीएसएस के पेपर में आते हैं जो कि लेंथी होते हैं उनकी इक्वेशन फिर आपको तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखते क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसमें कहते हैं अ पेयर ऑफ पैंट एंड मैचिंग शर्ट कॉस्ट 52.5 एक पैंट और एक शर्ट इन दोनों की प्राइस अगर इकट्ठी देखी जाए तो ये 52.5 ठीक है आपके पास ये चैप्टर बुक में उसमें ना अब इसमें क्वेश्चन नंबर आप देख ले कहां से स्टार्ट हो रहा है पेयर ऑफ पैंट एंड मैचिंग शर्ट आगे आगे चलते जाने चलते हैं ये अ बॉक्स कंटेन 785 बॉल उसके बाद एक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा यानी कि उसके अंदर मैंने दोनों को मैंने मर्ज किया ठीक है अच्छा अब वो कहता है कि एक पैंट और एक शर्ट है इन दोनों की प्राइस अगर देखी जाए ना पैंट और शर्ट दोनों की प्राइस तो दोनों की प्राइस कितनी है 52.5 दोनों की प्राइस मैचिंग शर्ट और पैंट दोनों की प्राइस कितनी है 52.5
अब वो फिर कहता है द पेंट कॉस्ट टू एंड हाफ टाइम यार ना, अगर सिर्फ अगर पेंट को देखा जाए ना, ओनली पेंट की प्राइस, वो शर्ट का 2.5 गुना, 2.5 टाइम, पेंट जो है वो शर्ट का 2.5 टाइम, यानी कि पेंट की कॉस्ट कितनी है, 2.5 टाइम्स ऑफ शर्ट, यानी कि शर्ट को मैंने 2.5 से फर्क दिया तो वो पेंट की इक्वल है, पेंट की प्राइस क्या है, शर्ट का 2.5 गुना। एज प्रॉब्लम में याद है, एज प्रॉब्लम जो हमेशा जो छोटी वैल्यू थी उसमें ग्राफ करता था बड़ी वैल्यू की इक्वल लाने के लिए, यहाँ पे छोटी वैल्यू शर्ट है, शर्ट का 2.5 गुना पैंट के बराबर, शर्ट को 2.5 से ग्राफ किया तो पैंट के बराबर, ठीक है। अब उसके बाद वो ये कहते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शर्ट अलोन, बताओ अकेली शर्ट की प्राइस कितने होगी, अकेली शर्ट की प्राइस क्या होगी, पैंट की प्राइस आप यहाँ पे अपुट कर दो, ये पैंट की प्राइस शर्ट के फॉर्म में, ये भी शर्ट है, आपको शर्ट की आपको वैल्यू मिलती है, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 रखूं तो यहाँ पे मैं लिखूं पुटिंग पी इन इक्वेशन 1, तो पी को अगर मैं 1 में पुट करूं, पी की जगह मैं पुट करता हूँ 2.5s और ये प्लस है इक्वल्स टू 52.5, ठीक है। यहाँ पे आप लोग शर्ट की प्राइस निकाल, शर्ट की प्राइस कैसे, ये 2.5 है, ये 1 है, ये कितना होगा 3.5 इक्वल टू 52.50, 3.5 को उधर डिवाइड कर दें, 52.50 डिवाइडेड बाय 3.5, ठीक है। इसका पॉइंट आउट होगा तो ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा 10, हाँ 0, यानी कि आप 0 बढ़ा सकते 10, इसका पॉइंट आउट होगा नीचे 100, ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू 5250 डिवाइडेड बाय 3500, 00 कैंसिल, 5 का टेबल 571, 5105, फिर 7 का पड़ा 71 और 715, 15 7 105 होता है, 7 का पड़ा अगर आप 105 पे लगाए ना तो 7 15 12 105, यानी शर्ट की प्राइस कितनी होगी 15, इसको नोट कर, समझ आ गई क्लियर, इसको नोट करिए, अभी आपको इसको मैं शॉर्टकट बताता हूं, अगर मान करता हूं तो याद है अपना शॉर्टकट बताता हूं। ओके नोट कर ली, इसका शॉर्ट इसका क्या बनेगा, अगर मैं वन पेपर में अगर बैठूँ कि स्क्रीनिंग में एमपीटी में तो इंशाल्लाह से आप नेक्स्ट ईयर बैठोगे, वन पेपर अगर आप कभी पेपर दे दो ना बैठे क्योंकि आप लोग सारे 23 के हो, तो अब इसका जिसमें आप में से किसी कोई आता जैसे ना दिया आपने, सारे 23 के हैं इंशाल्लाह, आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह बैठने की जरूरत ना पड़े इंशाल्लाह। अच्छा तो बारह अगर तो मैं इसके वन पेपर के लास्ट को मैं देखूं, अगर मैं इसकी ऑप्शन को अगर चेक करूं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शर्ट, शर्ट की प्राइस अगर 10 रुपया ये ऑप्शन, या शर्ट की प्राइस बी ऑप्शन 15 रुपया है, या 20 रुपया 27 रुपया, अगर मैं शर्ट की प्राइस रखता हूँ 10 रुपया, ये ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूँ, अगर शर्ट 10 रुपया है, पैंट उसका कितना है, पैंट उसका 2.5 गुना है, तो फिर पैंट की प्राइस कितनी बननी चाहिए, शर्ट अगर 10 रुपए है तो पैंट फिर कितनी बन जाएगी, 25 रुपए, 10 को अगर मैं 2.5 से डिवाइड करूँ ना तो पैंट बननी चाहिए 25 रुपए, समझ आ गई, अगर शर्ट 10 रुपए की तो पैंट फिर 25 की होगी, दोनों को जमा करो क्या 52.5 किलो बनते हैं, क्योंकि दोनों की कास्ट 52.50 बननी चाहिए, इन दोनों को जमा करोगे पैंट और शर्ट ये तो 35 बनते हैं, 52.5 किलो नहीं बनता, ये रहा ऑप्शन। अगर मैं शर्ट की प्राइस रखूं 15 रुपए,
अगर शर्ट की प्राइस 15 रुपए है, फिर पैंट कितने होगी? पैंट उसका 2.5 गुना, एक तो इसका डबल हो जाएगा 30, फिर 15 का आगे हाफ कितना होगा? 37.5। 37.5 में अगर आप लोग 15 रुपए अगर आप ऐड करो ना, ये 52.5 है, मतलब 15 रुपए में राइट ऑप्शन। लेकिन हमें कहते हैं पता चला 2.5 गुना, वो मुझे स्टेटमेंट पर पढ़ने से पता चलेगा, यानी कि स्टेटमेंट को भी अंडरस्टैंड करना इसमें लाजमी। वैसे नहीं कि हम ऑप्शन का पकड़ के हम उसको वैसे सॉल्व करने लग जाए, हमें स्टेटमेंट हमें पता होगी कि भाई स्टेटमेंट में पेंट उसका 2.5 गुना बन रहा है, देन हम इसको फाइंड आउट कर सकते। वैसे तो हमको राजी नहीं होगा कैसे हम लोगों ने उसको पुट करना है ऑप्शन, ठीक है? इसको नोट करें, क्वेश्चन टू के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। आप फिर से छोड़ सकते हैं बैठ, आप तो बैठ रहे हो यार। क्वेश्चन नंबर टू भी देखिए, क्वेश्चन क्या बने थे? हाफ अ नंबर इज एडेड टू थ्री सेवंस ऑफ द सेम नंबर। हाफ अ नंबर मींस एक नंबर का हाफ, यानी एक्स बाय टू, या कह लो 1/2 ऑफ एक्स भी कह सकते हो। एक्स का हाफ है, उसको हमने किसमें ऐड किया है? एडेड टू थ्री सेवंस ऑफ द सेम नंबर, उसी नंबर के 3/7 में, यानी 1/2x प्लस 3/7x। तो कहता है द रिजल्ट इज, रिजल्ट मतलब इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्या है, किसके बराबर है? 1 less than द नंबर, उस नंबर में से एक कम है। 1 less than नंबर में, उस नंबर में से एक कम है, x माइनस ए। मेरे क्वेश्चन तो ये है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में आप लोग जो होमवर्क जो करते हैं, होमवर्क करने में आप लोग मिस्टेक ही करते हो, जाते सारे आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो जो मैंने सिखाया हो। आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को रिपीट किया करो जो क्लास में करवाता हूँ, पहले आप उनको रिपीट किया करो एक दफा, क्योंकि इधर तो आप एक दफा समझ लेते हो, आप एक दफा समझ लिए इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिमाइंड आप गया। कम से कम एक क्वेश्चन आप दो तो 3-3 दफा आप करोगे, तब जाके आपको क्वेश्चन आपको रिमाइंड होगा कि कैसे करना चाहिए, उसके बाद आपको फिर होमवर्क फिर आपको। हम लोग डायरेक्ट जाके हम लोग होमवर्क को करना शुरू कर देते, वो फिर उसका फिर वो ठीक है। कोशिश करें पहले आप इनको जो मैं करवा दूँ। एक नंबर का हाफ, हाफ अ नंबर 1/2x, इसको किसमें ऐड किया जा रहा है? एडेड टू द 3/7 ऑफ द सेम नंबर। 3/7 का मतलब है 3/7, 2/5 का मतलब है 2/5, 1/3 का मतलब है 1/3, ठीक है? तो इसको हमने ऐड किया है 3/7 ऑफ द सेम नंबर। उधर लाओ, उधर बैठो, उधर तुम्हें आपको नजर नहीं आएगा। उधर से ओके, नजर का मतलब नहीं ना, चलो फिर जो भी आप। अच्छा, एक नंबर है उसका हाफ, उसको ऐड किया जा रहा है उसी नंबर के 3/7 में, तो कहता है रिजल्ट इज 1 less than द नंबर, उस नंबर में से एक कम हो गया। 1 less than नंबर मींस x माइनस 1, 1 less than 5 मींस 5 माइनस 1, 1 less than 10 मींस 10 माइनस 1, ठीक है? अब इसको आप ले एलसीएम, 2 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 14, 14 को 2 पे डिवाइड किया 7, 7x, 14 को 7 पे डिवाइड किया 2, 6x इक्वल्स टू x माइनस 1, ठीक है? अब आप इसमें 14 इधर डिवाइड में ना, 14 को उधर जाके मल्टीप्लाई, आप कह लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई में था, क्रॉस मल्टीप्लाई,
वन इससे मल्टीप्लाई इतना ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 13x, 14 को तो जाकर मल्टीप्लाई कर दे, 14 इंटू एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा 13x इक्वल्स टू 14x माइनस 14। आप माइनस 14 इधर ले, 13x उधर ले जाओ, 14 इधर आके प्लस हो गया, 13x उधर जाके माइनस हो गया, एक्स इक्वल टू 14। यानी कि वो जो नंबर है ना जिसका वन बाय टू उसी नंबर के 3/7 जब आप अगर आप लोग प्लस करें तो वो एक्चुअल में 13 के बराबर आता है। 14 माइनस वन मीन 13, वो 13 के बराबर। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, एक्स को यहाँ पे पुट करें, एक्स को यहाँ पे पुट करें, एक्स को यहाँ पे पुट करें, दोनों साइड आपकी इक्वल है, ठीक है? आप इसको वेरिफिकेशन में चेक कर सकते, इसको नोट करें, सवाल क्वेश्चन के लिए साथ साथ नोट कर लिया करें। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें आप लोगों का अलजेब्रा में जो आपको मैंने फार्मूला लिखवाए थे ना, लिखवाए थे अलजेब्रा फार्मूला, उसमें आप देखिएगा उसके एंड में मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, ए प्लस बी का होल क्यूब, वो फार्मूला इसके अप्लाई होगा क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 पे फार्मूला लिखो, जरा वो फॉर्मूला चेक करें कौन सा फॉर्मूला था आखिरी जो मैंने अलजेब्रा का लिखवाया था। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए बी इंटू ए प्लस बी, ये मैंने आपको लिखवाया था। अच्छा अब ये देखिएगा आपके पास जो फार्मूला आता है वो है ए प्लस बी होल क्यूब, ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपने बोला है वन बाय फोर क्यूब होल क्यूब प्लस थ्री अपॉन फोर का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। अब ये इसका मैंने कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ, ये सिर्फ इस फॉर्मूले को देख के मैंने इनको पुर काट दिया, मैंने फिल कर दिया इसको फॉर्मूले को देख के। अब ये देखो ये सारा किसके बराबर है, ए प्लस बी होल क्यूब के बराबर है, इसका मतलब ये सारे का सारा किसके बराबर होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब ये इसके बराबर होगा। आप चाहे इस पूरे को सॉल्व कर लो, आप चाहे इसी को सिर्फ सॉल्व कर लो, आंसर आपका सेम आए क्योंकि ये उसी के इक्वल है। तो ना कि हम लोग इस पूरी लंबी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करें, हम सिर्फ हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग को आंसर चाहिए ना वो बिल्कुल इसके इक्वल आएगा। वन अपॉन फोर प्लस थ्री अपॉन फोर कैल्सियम ले, फोर वन प्लस थ्री का इसका होल क्यूब आ जाएगा, फोर अपॉन फोर का क्यूब वन का क्यूब वन, ठीक है? आप चाहे ये पूरी वैल्यू पे अगर सॉल्व करोगे तो भी आंसर आपका बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो उसी के इक्वल है। तो ये आपको एक फायदा है फार्मूला याद, तो आपको अलजेब्रा के अंदर भी आपको मैंने इसके काफी आपको मैंने फवायद बताए थे अलजेब्रा में फार्मूला याद करने, ठीक है? इसको नोट कर लें, ये फार्मूला के बगैर हल हो जाएगा। अगर आप इसको सारे को अगर आप सॉल्व करोगे तब भी बाहर नहीं आता है, सिर्फ ये फार्मूला टाइम बचाने के लिए, इसको सॉल्व करोगे ये भी यही आंसर आएगा, सेम आएगा, वन ही आएगा, खुद इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव दोनों एक जैसे हैं, ये मोस्टली ये वन पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, आप कह रहे हैं कि 17 स्केल के जो पेपर है ना उनमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और में कह रहा है इफ एन क्यूब इज ऑड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, अगर एन क्यूब एक ऑड है तो फिर बताएं इन में से कौन सा ट्रू है, क्या एन इज ऑड ये ट्रू है, एन स्क्वायर इज ऑड ये भी ट्रू है, या एन स्क्वायर इज इवन ये ट्रू है, इन में से कौन सा ट्रू है? अब आप लोगों को इसमें बताने के इनमें से कौन सा ट्रू है। अब हमें को वैल्यू अब हमें को लेट करनी पड़ेगी, नोट कर लीजिए, अब हमें ना इसमें को वैल्यू लेट करनी है। उसने एक शर्त लगाई है, उसने शर्त ये लगाई है कि भाई सबसे पहली शर्त ये है कि एन क्यूब को ऑड होना चाहिए,
ये उसकी एक शर्त है कि एन क्यूब लॉग में ऑड हो। मैं एक लेट कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3-4, मैं लेट कर लेता हूं एन इज इक्वल टू फॉर। अच्छा वो कहता है एन क्यूब इज ऑड, ये उसकी शर्त है, ये एन क्यूब एक ऑड होना चाहिए। अब मुझे एन नहीं पता एन कौन सी वैल्यू है, अगर मैं एन की वैल्यू रखू टू फॉर एग्जाम्पल, लेट एन इज इक्वल टू टू, अगर एन की जगह मैं यहाँ पे टू रखू, क्या टू का क्यूब ऑड बनता है? ये तो टू का क्यूब एट बनता है, ये ऑड तो नहीं है। इसका मतलब एन की जो वैल्यू है वो कोई इवन नहीं हो सकती, टू है ना, टू की जगह अगर आप फोर आप रख दो, फोर का क्यूब भी आपका ऑड नहीं बनेगा, फोर का 64 वो भी एक इवन है। इसका मतलब यहाँ तो मुझे ये तो कन्फर्म हो गया कि जो एन में रखूंगा वो एक ऑड होना चाहिए। देखो ना एन अगर मैं ऑड रखता हूँ, यहाँ मैं थ्री रखता हूँ, थ्री का क्यूब कितना आएगा 27, दैट इज एन ऑड, ये एक ऑड। इसका मतलब एन क्यूब का मतलब ये है कि एन की जगह एन शुड बी ऑड, एन एक ऑड होना चाहिए। एन अगर ऑड होगा तो एन का क्यूब भी ऑड आएगा, पहली स्टेटमेंट ओके। देखो पहली स्टेटमेंट ये कहता है एन इज ऑड, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कहता है, चलिए ओके होगी, दूसरी स्टेटमेंट कहता है एन स्क्वायर इज ऑड, ये भी ओके है। एन हमने थ्री हमने रखा हुआ है, थ्री का स्क्वायर आप लोग 9, ये भी ऑड है, एन का स्क्वायर भी एक ऑड होता है। लेकिन उसने तीसरी स्टेटमेंट बोली एन स्क्वायर इज इवन, वो रॉन्ग है, एन जो स्क्वायर है ना वो इवन नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। क्योंकि मैंने अभी ये चेक किया भी है कि एन जो स्क्वायर है ना, थ्री का स्क्वायर करो तो वो 9 बनता है, थ्री का स्क्वायर इवन नहीं बनता, 8, 10, 12 नहीं बनता। इसकी पहली दो स्टेटमेंट ओके हैं। अब इसके आप डी ऑप्शन का देखें, डी ऑप्शन क्या कहता है, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 मतलब ये भी ठीक है ये भी ठीक है, ये रॉन्ग, एन स्केयर इवन नहीं होता। समझ आ गई ओके, शाबाश, इसको नोट करें। कहते जो नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा वो भी इसी तरह ही है, उसमें भी आप लोगों को वैल्यू ऑफ एक लेट करनी, शाबाश इसको नोट करें। मेरी कोशिश ये होगी कि आज आप लोगों को कंप्लीट करवा दूं। आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये लॉजिकल है कि एक्सपर्ट है वो टाइम डिस्टेंस चेन प्रॉब्लम बोल भी रहते हैं मेरी करवा दिया से रिपोर्टेबिलिटी। अच्छा रहते हैं ऑप्शन, चलो फिर नेक्स्ट क्लास करवा दी। कितने को क्लास है नोट किए, कितने क्लास में टोटल कितने को लेक्चर नोट किए, सेमेस्टर भी सब नहीं, पिछली क्लास में तो हमारे 4 बार लेक्चर था, 3 से लेकर 9 तक क्लास हुई, वो 4 मिला दें तो कि मुझे वाजिब भी बता के सर आज आपकी 10वीं क्लास, ये क्या है 10वां लेक्चर, 10वां लेक्चर एक क्लास में 2 लेक्चर, लॉजिकल है, टेट का पोर्शन है और टाइम डिस्टेंस चेन प्रॉब्लम। इसके अलावा और कोई लेक्चर को टॉपिक रहता हूँ ध्यान की बजी है ना, और तो नहीं को रहता हूँ वैसे मैंने करवा दिया था, अगर दोबारा रिपीट कर लूँ मैं रिपीट भी कर दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री बुक में से निकाल दी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री आपको मैं करवा दूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा वो मैं करवा दूंगा। उसके थ्रू बाद 2-3 क्वेश्चन है जी, ट्रिग्नोमेट्री आपकी अप्लाइड लेवल की नहीं आनी, इसमें वो डिग्रीज नहीं आना है, सिर्फ आप लोगों ने टेन थीटा का याद रखना, टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, वो जस्ट फॉर्मूला आप लोगों ने पुट करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, मैं वही कह रहा हूँ साइन एंगल इसमें आपसे नहीं पूछेगा, वो साइन 45 1/√2 वो आपसे नहीं पूछेगा,
मैं आपको वो बताऊंगा, सिर्फ आपको फार्मूला दर्ज करूंगा। आप याद रखें कभी भी बेसिक प्रॉब्लम को अप्लाइड लेवल क्वेश्चन नहीं देता जिसमें आपको कैलकुलेटर पर आपको यूज करना, कभी वैसे नहीं देता। अब वो अप्लाइड में आपको वो क्वेश्चन इस पर। अच्छा इसका जरा क्वेश्चन नेक्स्ट जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अगर एक्स 0 से बड़ा हो और 1 से कम हो, एक्स 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो कौन सी ऐसी वैल्यू रख सकते हैं? 0 से बड़ी कोई वैल्यू आप लोगों ने ऐसे रखनी तो आसान हो कैलकुलेशन के लिए। ऐसे नहीं 0.3 रख ले, 0.3 तो ऑड है, 0.5 रख ले, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.5, यानी कि वैल्यू आपने वो रखनी है जो कि कैलकुलेशन में आपके लिए आसान भी रहे, ठीक है। और ये कहता है कि अगर एक्स फॉर एग्जाम्पल एक्स अगर 0.5 हो तो फिर बताओ इन में से, ये जो ऑप्शन बता रहे हैं इन में से कौन सी वैल्यू एक्स से छोटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन एक्स, इन में से कौन सी वैल्यू छोटी है, क्या एक्स स्क्वायर एक्स से छोटा है, या बी ऑप्शन क्या 10% ऑफ एक्स एक्स से छोटा है, या सी ऑप्शन 1/x छोटा है। अच्छा पहले मैं ऑप्शन ए में चेक कर लेता हूँ 1x2, दूसरी कहता है 10% ऑफ एक्स, और तीसरी कहता है 1/x। वो कहता है अगर एक्स 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो तो फिर बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू है जो कि एक्स से छोटी है, यानी कि इनमें से किसका आंसर 0.5 से कम आता है। अब समझ आ गई, पहली मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूँ x square means 0.5 का स्क्वायर, ये कितना आता है, ये तो 0.25 आता है, 0.25 बड़ा है 0.5 बड़ा है, 0.25 बड़ा है ना, 0.25 छोटा है, शाबाश 0.5 बड़ा है, 0.25 छोटा है, इसका मतलब ये तो मेरे फिर कॉपी हो गया। उसने कहा इनमें से कौन सी वैल्यू x से छोटी है, इसका मतलब x स्क्वायर x से छोटी है, ये ओके हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है 10% ऑफ x, 10% ऑफ x, x मतलब 0.5। अच्छा इसका पॉइंट एंड करें नीचे क्या आएगा, 10 से कैंसिल, 5/100 मीन ये 0.5, 0.05 बड़ी है या छोटी है, 0.5 छोटी है, 0.05 छोटी है, इसका मतलब ये भी ओके है, ये भी एक्स से छोटी है, समझ आ रही है, ये वैल्यू भी एक्स से छोटी होगी। अब हम चेक करते हैं 1/x का मतलब 1/0.5, इसका पॉइंट एंड किया तो ऊपर 10 आया, ये 10/5 ये तो 2 बना, 2 छोटा है, ये 0.5 छोटा है, 0.5 छोटा है ना, 2 तो बड़ा हो गया, इसका मतलब ये वाली ऑप्शन बाहर, इसका भी आंसर आप देखें, इसका भी आंसर आपका ठीक है 1 और 2। समझ आ गई, इसका भी आंसर आपका डी हो गया, कोई जो वर्दी वैल्यू ले ले, वैल्यू वो लो जो आसानी से सॉल्व हो जाए, 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, 0.3 ना ले, क्योंकि 0.3 वो फिर उसका फिर वो आंसर आप लोगों का ऑड में आएगा, आप लिख ना सकते, 0.5 एक अच्छी मतलब कॉमन वैल्यू है, आसान वैल्यू है आपके आंसर आसानी का। अच्छा अभी 6 को अभी ड्रॉप में करो, 7 मुझे सॉल्व करते थे कुछ क्वेश्चन आपसे दबानी में करो, 7 दबानी क्वेश्चन है, 7 आप देख लेना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सर स्टेटमेंट्स बता दें, बुक नहीं है, प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन, ये वाला क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन वाला, आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है? नो सर बुक नहीं है ना, नहीं नहीं बेटा मैं उससे आपके पीडीएफ से करवा रहा हूँ, पीडीएफ आप ओपन करें, पीडीएफ आपके पास है, ग्रुप में शेयर्ड है,
पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 7 पीडीएफ तो बेटा सबके पास शेयर है। अगर आप इसको गौर से पढ़ो ना आपको समझ आएगी कि वो चार मोबाइल ले सकते समझ आ गई सबको क्लियर है या समझा दूं ओके इधर बच्चे ओके क्लियर राइट नेक्स्ट चलें जरा मुझे क्वेश्चन नंबर का बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर है 10 और 11 दोनों मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 10 पे आप कह लो कि बहुत ही आसान था क्वेश्चन उसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है तकरीबन 100 पेजेस आएंगे अब वो कहता है इसके लिए उसने वर्ड यूज किया अबाउट हाउ मेनी तकरीबन कितने कहता है अगर एक मैन्युस्क्रिप्ट से अगर 3 पेज हो ना मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहते हैं हाँ मुसव्वदा जिसको कहते हैं उर्दू में उसका वर्ड होता है मुसव्वदा जो रफ फॉर्म में लिखा होता है अब जैसे वर्ड है बुक अगर मैं पब्लिशर करवाता हूँ ना पहले मैं उसको ना हैंड रिटन या उसको वर्ड में मैं उसको लिख के दूंगा फिर वो उसमें से वो मिस्टेक वो निकालेगा कि सर आपको कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक है सर यहाँ से एक पर्सन की मिस्टेक है वो मिस्टेक निकालने के बाद बुक फिर काम हो जाएगी वो कहता है जब उसने मुसव्वदा जब दिया तो वो 3 पेजेस का बुक का 1 पेज बना यानी कि इतनी मिस्टेक थी कि 3 पेज मैन्युस्क्रिप्ट के थे तो पब्लिश बुक का 1 पेज बना अब वो कहता है अगर टोटल 302 पेजेस हो तो बुक के कितने पेज बने अगर 3 के अगेंस्ट 1 बन रहे हैं तो 300 के अगेंस्ट 100 बनेगा 101 तकरीबन बनता है लेकिन इसलिए उसने वर्ड यूज किया अबाउट हाउ में तकरीबन कितने बनते हैं तो 100 बनते हैं ठीक है नेक्स्ट का मुझे आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आए ना समझो उसमें कोई ना कोई टेक्निकल पॉइंट है जब बिल्कुल ही सादा सा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन इसका 1 नहीं आंसर इसको दोबारा रखना पड़ेगा लेकिन 109 से 113 तक 4 पेजेस नहीं होंगे 109 से 113 तक 5 पेजेस और करेंगे 109 अलग 110 अलग 111 अलग 112 अलग 113 अलग पेजेस पेजेस जब बात करते हैं तो 109 से 110 तक एक पेज नहीं है 109 अलग 110 अलग है लेकिन जब मैं मिनट की बात करूंगा फिर 1:09 से 1:10 मिनट तक एक मिनट बना आप समझ गए हाँ 5 बिल्कुल उसने वर्ड उसने क्वेश्चन बोला पेज पर मिनट बनेगा 5/4 5 बिल्कुल पेजेस 5 है मिनट 4 है 5/4 आएगा उसका आंसर 1 नहीं आएगा ठीक है ये इसमें टेक्निकल पॉइंट आपको क्लियर हो गया क्लियर अच्छा ये मुझे लगा क्वेश्चन में कहा कि जितने का जो आप लोगों के लाइक जो क्वेश्चन वो क्वेश्चन 25 मुझे क्या बताएगा 25 में क्या कहते हैं और कभी सर डायरेक्टली जंप लगाई मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं ये सर या बॉक्स कंटेन हां अब बॉक्स कंटेन 785 बॉल ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए इसमें अब आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इक्वेशन बनेगी अच्छा
क्वेश्चन नंबर 25 अगर आप देखो ना, 25 में कहता है कि एक बॉक्स में 785 बॉल्स हैं, टोटल 785 बॉल्स हैं, और ये जो 785 बॉल्स हैं ये तीन कलर के हैं, रेड, व्हाइट और ब्लू, ठीक है। इसका मतलब रेड, व्हाइट और ब्लू ये तीनों मिला जुला के टोटल वाले 785 बॉल हैं। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक है। तीनों वाले अगर मैं इनको मैं प्लस करूं, फिर उनको ना वो अलग अलग वो प्लस कर रहे हैं, कह रहा है कि रेड और व्हाइट अगर देखे जाए तो वो 605 है, रेड और व्हाइट 605 है इक्वेशन 2, और इसी तरह जो व्हाइट और ब्लू है वो 471 है। कहता है बताओ इनमें से मुझे व्हाइट कितने, तो शाबाश को ट्राई करें, तीनों क्वेश्चन को आपस में आप 291 आएगा सर। ओके बेटा, इसको अभी कंफर्म करते हैं, ठीक है। इसके ना दो तरीके हैं, बल्कि दो नहीं इसके तीन चार इसके तरीके बनते हैं, जो दो इसके मतलब आप कह लो कि इसके ऑथेंटिक वे है वो आपको मैं बता देता हूँ। एक तरीका तो सबसे आसान जो तरीका है, सबसे आसान तरीका क्या है, बाय एडिंग इक्वेशन 2 और 3, दो और तीन को आप लोग ऐड कर दो। जब आप दो और तीन को जब आप ऐड करोगे ना, ये आएगा रेड प्लस व्हाइट और व्हाइट 2 व्हाइट प्लस ब्लू, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 6, 7 और 10। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो इतना आया। अब इसमें से ये वन इक्वेशन माइनस कर दो, रेड व्हाइट और ब्लू जब मैं माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आपको पता है माइनस में निचले साइड चेंज हो जाते हैं, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 व्हाइट में से 1 व्हाइट जाएगा, 290। ये एक आपको मैंने एक आसान सोल्यूशन इसका एक बताया, ठीक है, आसान वे। अब इसके एक और तरीका भी, वो भी अभी आपको बताता हूँ, दूसरा तरीका देखिए क्या, फिर आपको इसको इकट्ठा आपको इसको सेव कर लीजिएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि अब ये व्हाइट और ब्लू की वैल्यू कितनी है, 471 है ना, अगर आप इस व्हाइट और ब्लू की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे आप पुट कर देते हो, यहाँ पे व्हाइट ब्लू की जगह किसकी वैल्यू आएगी, आपको रेड की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी ये रेड प्लस व्हाइट प्लस ब्लू की जगह 471 = 785, यहाँ से आपको रेड की वैल्यू मिलेगी, रेड की वैल्यू आएगी 785 - 471, रेड इज इक्वल टू 413, कितने में आता है ना, 314। अब ये रेड की वैल्यू आप यहाँ से पुट करो, आपको व्हाइट दे देगा, इस रेड की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो आपको व्हाइट दे देगा। इक्वेशन 2 क्या है, रेड प्लस व्हाइट इज इक्वल टू 605 है, रेड की जगह 314 पुट कर दें, यहाँ से आपको व्हाइट की वैल्यू मिल जाएगी, व्हाइट इज इक्वल टू 605 - 314, व्हाइट इज इक्वल टू 290, ठीक है। ये इसका दूसरा तरीका जी, हाँ शाबाश, ये इसका तीसरा तरीका मैं अभी बताने लगा, शाबाश ठीक है। इसका एक और तरीका भी है, यहाँ से आप रेड की वैल्यू निकालो, वो आएगा रेड इज इक्वल टू 605 - W, यहाँ से ब्लू की वैल्यू निकालो, वो आएगा 471 - W, रेड और ब्लू दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, रेड और ब्लू की जगह आपको व्हाइट के फॉर्म में आपको आंसर मिल जाएगा। हमें आगे क्या बोला मैंने, यहाँ से रेड की वैल्यू निकालो, रेड की वैल्यू आएगी 605 - W, यहाँ से ब्लू की वैल्यू निकालो 471 - W, ये रेड की वैल्यू और ब्लू की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, रेड और ब्लू की जगह इसमें से भी आपको व्हाइट की वैल्यू वो भी आपके पास 291, ठीक है।
इसको नोट, इस तरह का भी सेम क्वेश्चन आपको बताता हूं नेक्स्ट चैप्टर में। सेम क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आप लोगों का ये है जी, नेक्स्ट इसी 54 पेज पे 12 नंबर क्वेश्चन, 54 पेज का 12 नंबर क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन ए बी एंड सी टुगेदर गॉट 150 वोट्स, ए एंड सी 94, बी एंड सी 76, हाउ मेनी वोट डिड सी गेट। देखिए सेम यही क्वेश्चन है, इसमें उसने रेड व्हाइट और ब्लू की बात की है, उसमें उसने ए बी और सी के वोट्स की बात की, ठीक है। उसको सॉल्व कर लें, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 54 पेज पे। इसको वैसे देखिए वो पढ़ लें, आप देख लें क्या है, क्वेश्चन सेम है ना, सेम वही चीज है, ठीक है। दोबारा जरा 51 पेज पे है, 51 पेज पे मुझे जरा क्वेश्चन नंबर 6 में बताएं कि क्या आप लोगों को कोई याद है इसके रिलेटेड, आपने कभी कोई क्वेश्चन पिछले चैप्टर का आपने सॉल्व किया हो, क्या आपको याद हो कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। पिछले चैप्टर का ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पेज 51 पे क्वेश्चन 6 मुझे बताएं इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो शायद किसी को याद हो, याद है कौन सा प्रॉब्लम था? सर हमने एक प्रॉब्लम तरह किया था, नहीं नहीं इसमें वो अप्लाई नहीं होता, कौन सा, कौन सा बना नहीं, वो तो आप प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा आप लोगों को याद होगा परसेंटेज में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें उसने कहा था कि अगर मैं एक वैल्यू पहले 25% इंक्रीज कर दूं, अब मैं उसको कितने परसेंट डिक्रीज करूं कि मैं फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाऊं, शायद आपको याद हो, मैंने उसमें आपको फार्मूला में लिखवाया था। इसमें भी अब ये कह रहा है कि एक्स को मैंने 50% मैंने इंक्रीज कर दिया, अब मैं दूसरी वैल्यू को कितने परसेंट कम करूं। अब उसने ये नहीं कहा कि मैं ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंच जाऊं, एक्चुअली में उसने वर्ड यूज किया कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट वही होता है जो वैल्यू कभी चेंज ना हो। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो ना, क्वेश्चन नंबर 6 को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज कांस्टेंट, भाई एक्स और वाई को अगर मैं धर्म करता हूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। फिर कहते हैं अगर मैं एक्स को 50% बढ़ा रहा हूं तो बताओ फिर मैं वाई को कितने परसेंट कम करूं, कि मेरा आंसर वही कांस्टेंट आना चाहिए, आंसर वही आना चाहिए। तो अब इसमें आप लोगों ने वो वाला फार्मूला याद रखना है, फॉर्मूला किसी को याद है मैंने क्या लिखवाया था? सर क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 51 पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 है, 51 पेज पे मैंने आप लोगों को परसेंटेज में एक फॉर्मूला लिखवाया था, इंक्रीज परसेंट वैल्यू डिवाइडेड 100 प्लस इंक्रीज परसेंट वैल्यू इनटू 100। ये किसी को याद है लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? नहीं लिखवाया, ये कुछ क्वेश्चन फिर मुझसे किसी ने पूछा नहीं होगा, ये जैसे मैं कहता हूँ ना कि आप सॉल्व अप करके लाए, मुझसे पूछे किसी ने कुछ पूछा नहीं होगा। बहरहाल आप ये परसेंटेज पे रहो, मैं आपको क्वेश्चन की करवा दूँ और फास्ट पे क्वेश्चन दोबारा आपको रिपीट हो सकता है, आप आइएगा मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 23 और आपके पास जो बुक है बुक में क्वेश्चन नंबर जो फिक्स होगा परसेंटेज का, ये बेटा पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 23 46 बुक में होगा परसेंटेज का।
प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 25%। पहले हमने एक प्रोडक्ट की प्राइस हमने 25% हमने बढ़ा दी। बाय हाउ मच परसेंट शुड इट प्राइस बी डिक्रीज नाउ। अब हम उसकी प्राइस कितने परसेंट कम करें तो गेट द ओरिजिनल प्राइस, कि हमें फिर से हमें वही प्राइस मिल जाए। ठीक है, कितना वही प्राइस मिल गया। इस तरह के मिलता जुलता क्वेश्चन एडीएफआई के पेपर में भी आया था, जो 2.5 महीने पहले एडीएफआई का पेपर हुआ था, उसमें भी ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन आया। इसमें आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर एक प्रोडक्ट, पेज नंबर 18 क्वेश्चन 23, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस पहले इंक्रीज कर रहे हैं, फिर कहता है मैं इसको कितने परसेंट में डिक्रीज करूँ कि मैं फिर से उसकी वैल्यू पे आ जाऊँ। ठीक है, तब आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है, जितना इंक्रीज हो रहा है। अब मैं ये क्वेश्चन 23 में सॉल्व कर देता हूँ। परसेंटेज का जितना इंक्रीज हो रहा है डिवाइडेड 100 प्लस जितना इंक्रीज हो रहा है इनटू 100, ये आपको बता देगा कि भाई मैं उसको कितने परसेंट काम करूँ। वैसे तो देन में यही आता है, 25 बढ़ाया तो 25% काम कर दो। वैसे तो देन में यही आता है भाई, 25% बढ़ाया 25% ही काम कर दो, हम फिर से हम 100 पे पहुँच जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 25, 5, 5, 20। 20% ऑफ वैल्यू अगर आप कम करोगे तो फिर से आप ओरिजिनल वैल्यू का 20%। ये सिर्फ जब वो कहेगा कि भाई मैंने इतने परसेंट इसको इंक्रीज कर दिया, मैं उसको कितने परसेंट डिक्रीज कर, वो फिर आपके वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज के लिए आ जाएगा। डिक्रीज परसेंट वैल्यू डिवाइडेड 100 माइनस डिक्रीज परसेंट वैल्यू, वो टोटली वो चेंज है। ठीक है, डिक्रीज डिवाइडेड 100 माइनस डिक्रीज इनटू 100। अगर वो ये कहे भाई मैंने वैल्यू इतने परसेंट कम कर दी है, अब मैं इसको कितने परसेंट इंक्रीज कर, ये फिर से ओरिजिनल वैल्यू, यानी टोटली इसका उलट है क्वेश्चन का, 23 का टोटली। अच्छा, अब ये फार्मूला मैं उधर लगा रहा हूँ इस पेज नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 6 पे, मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ। वहां पर वो यही कहता है कि मैंने एक्स की वैल्यू मैंने 50% बढ़ा दी है, अब मैं दूसरे वाई की वैल्यू में कितने परसेंट काम करूँ कि मैं फिर से उसी वैल्यू पे पहुंच जाऊँ। क्यों, वैल्यू एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपकी चेंज नहीं होगी। 50% ये क्वेश्चन होते 50 डिवाइडेड 100 प्लस 50 इंटू 100, ये आएगा 50 ओवर 150 इंटू 100, 33.33% आपका आएगा। 33.33% आप वाई को काम करोगे तो आप दोबारा से उसकी वैल्यू पहुंच जाएंगे 33.3। अभी देखिए क्वेश्चन 6 का ए ऑप्शन है 50%। हम देख हम ये कहते हैं कि 50% अगर बढ़ाया हमने एक्स को, वाई को 50% काम कर, तो कोई फर्क ही नहीं आएगा। एक्चुअली वो क्वेश्चन पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करवा दिया, क्वेश्चन 8 पे देखिएगा जी बेटा, ये वाला क्वेश्चन, हाँ इसको नोट कर, पेज नंबर 51। अभी 51 के 6 नंबर क्वेश्चन पे बात है। इसको मैं आप लोगों को रिकॉर्ड भी किसी भी करवा सकता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, अगर मैं वैल्यू अगर एक लेट कर लूँ, एक्स 100 है ये, सॉरी एक्स 10 है और वाई भी अगर 10 है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया 100 के बराबर है। अब 100 को मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसने बोला है कि 100 एक कॉन्स्टेंट है। अब उसने मुझे जो उसने जो सिचुएशन बताई वो कहता है एक्स को मैंने 50% मैंने बढ़ा दिया, एक्स को 50% बढ़ाओ कितने पे चले जाएगा, ये 15 पे चला जाएगा क्योंकि 10 का 50% 5 होता है, ये चला गया 15 पे। अब उसका क्वेश्चन ये है कि मैं वाई को मैं कितने परसेंट कम करूं कि भाई आंसर मेरा 100 ही रहना चाहिए, आंसर मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसने खुद बोला है इनका प्रोडक्ट है कांस्टेंट है। अब मुझे वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूं कि इनका 100 बन जाए प्रोडक्ट, क्या रखूं वाई की जगह। अब ये देखे ना, अगर इधर मैं वाई में रखता हूँ मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी 100/15, ये y की वैल्यू बनेगी 6.67, यानी कि यहाँ पे y की जगह यहाँ पे होना चाहिए
इसको मैं दोबारा स्टेप को लिख रहा हूँ, यहाँ पे होना चाहिए 15 × 15 = 6.67, तब जाके 100 के बराबर होगा। अब एक्चुअल में हम लोगों ने ये देखना है, ये 10 था, ये 50% बढ़ा, ये भी 10 था, अब ये कितना कम हुआ है 6.67 तक, 3.33, 3.33 मतलब 33% ये कम हुआ। ओरिजिनल 10 था ना, 3.33 कम हुआ है, और अगर 10 का 3.33 कम है तो 100 के लिए देखा जाए 33.33 ये कम, ठीक है, तो ये 33.33% इसमें वैल्यू कम ही आएगी, तब जाके इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर बनेगा 100, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, वो मैंने कांस्टेंट ही रखा। तो यहाँ पे हाँ 5c, ठीक है, माइनस। तो बहरहाल आपको ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इस फार्मूले के थ्रू आप क्वेश्चन आपके काफी आपको सॉल्व कर सकते हैं। वो जी अब मैं जी चेक कर रहा हूँ कि मैं दूसरी वैल्यू कितने परसेंट मैं डिक्रीज करूँगा, डिक्रीज मैं करूँगा 33%, नहीं जब उसने जब ये बोलना है ना कि भाई मैंने इतनी वैल्यू इंक्रीज की है, पहली वैल्यू को बजा रखो, मैंने इतनी परसेंट इंक्रीज की है, मैंने इंक्रीज का फॉर्मूला लगा, जब वो कहेगा ना मैंने इतने परसेंट डिक्रीज किया, तब वो ये फॉर्मूला पहली लाइन में, दूसरी लाइन में पहली लाइन की बात कर, अब पहली लाइन में देखो कितना इंक्रीज किया डिक्रीज किया, पहली लाइन में इंक्रीज किया तो इंक्रीज वाला फॉर्मूला, अगर वो पहली लाइन में डिक्रीज की बात करता है फिर आप डिक्रीज वाला फॉर्मूला, ठीक है, इंक्रीज की बात करें तो इंक्रीज वाला फॉर्मूला पहली लाइन से वापस लेना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 9 का देखिएगा, 8 का देखिए, 8 को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ओके, वो दूसरा पॉइंट क्यों मल्टीप्लाई किया, मैं जी चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या आनी चाहिए कि इनको जरा करो तो 100 बनता है, ये y की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, y इधर रह गया, ये 15 उधर जाके डिवाइड किया तो मुझे 6.67 पता चला। अब असल में मैंने ये चेक किया है, ये जो 6.67 आता है 10 में से कितना काम करो तो 6.67 आता है, 3.33 मतलब 33%, 10 का अगर 3.33 देखो तो तीसरा ऐसा मतलब 33%, समझा गए, 33.33% वो कम होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 देखूं तो उसने एक वर्ड यूज किया है प्राइम इंटरल्यूड, और प्राइम इंटरल्यूड को उसने खुद आपको डेफिनेशन बता दिया क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन हुआ गौर से पढ़ो स्टेटमेंट को पढ़ो तो उसने प्राइम इंटरल्यूड की खुद उसने डेफिनेशन बताई है, वो कहता है प्राइम इंटरल्यूड एक उस नंबर को कहते हैं, उस एन को कहते हैं कि अगर उस एन में से मैं एक माइनस करूं तो फिर भी प्राइम बने, या अगर मैं उसमें एक जमा करूं फिर भी प्राइम बने, वो एक प्राइम इंटरल्यूड होता है। मसलन जैसे एक नंबर है 4 है, 4 में एक माइनस करो क्या बनता है, 4 में एक जमा करो क्या बनता है, ये दोनों प्राइम बनते हैं ना, इसका मतलब 4 इज अ प्राइम इंटरल्यूड, नहीं 2 प्राइम, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं शायद, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 1 नहीं होता। अच्छा जैसे 6 है बेटे, देखो 6 एक प्राइम इंटरल्यूड है, कैसे, 6 में 1 माइनस करो तो 5, 1 प्लस करो तो 7, ये दोनों प्राइम नंबर है, इसका मतलब 6 एक प्राइम इंटरल्यूड है, ओके। उसका क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ इन में से कौन सा नंबर प्राइम इंटरल्यूड नहीं है, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन है 4, ओके 18 प्राइम इंटरल्यूड है, 18 में से माइनस करो 17, एक जमा करो 19, दोनों प्राइम नंबर है 17 और 19। अच्छा 30 में से एक माइनस करो 29, एक जमा करो 31, 29 31 दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन 72 भी है, 89 नहीं है, 89 में जमा करो 90,
नॉट अ प्राइम नंबर. 89 में से एक माइनस करो, 88 नॉट अ प्राइम नंबर, 89 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है, 89 प्राइम इंटरलूड नहीं, क्योंकि वो इसकी शर्त को पूरा नहीं कर रहा जो प्राइम इंटरलूड की शर्त है. ओके हो गया. ठीक है सर, बेटा कुछ क्वेश्चन मैं बीच में ड्रॉप कर रहा हूँ, दो दिन को ट्राई करें. इनमें से अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताओ, क्वेश्चन 12 जरा देखो, क्वेश्चन 12 आखिर कुछ क्वेश्चन आपको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, देखो ना हो तो मुझसे डिस्कस जरूर कर लिया. ठीक है ना, डिस्कस मुझसे कर लिया. फिर आप में से कई स्टूडेंट से डिस्कस नहीं करते, बस वो सिर्फ दो बच्चे वही बार डिस्कस करते हो तो डिस्कस जरूर मुझसे कर लिया. अच्छा क्वेश्चन नंबर देखो 12 क्या कहते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर. स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या है, कौन सा है, व्हिच व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 3 4 5 विल लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2. कहते हैं छोटे से छोटा वो नंबर कौन सा है जिसपे मैं 3 डिवाइड करूं, 4 डिवाइड करूं, 5 डिवाइड करूं तो वो 2 रिमाइंडर छोड़ता है, 2 उसका रिमाइंडर आता है. कौन सा नंबर है? अच्छा इसका दो तरीके हैं. एक तरीका तुझे आप बारी बारी ऑप्शन चेक करना, 72 पे 3 डिवाइड करो, 4 डिवाइड करो, 5 डिवाइड करो, 42 पे, 62 पे, ये एक तरीका तुझे है. अगर खुदा ना खास्ता ये क्वेश्चन क्लियर कर पा दे फिर क्या करेंगे, फिर इसके लिए आप लोगों को तरीकाकार इसका पता होना चाहिए. तरीकाकार क्या है, वो ये कहता है मुझे सबसे एक छोटा नंबर बताओ जो 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, 5 पे भी डिवाइड हो रहा है. इसको हम लोग चेक करते हैं एलसीएम से. एलसीएम 3, 4, 5 का एलसीएम लिया, आपको पता चल जाएगा वो कौन सा नंबर है जिस पे 3 भी डिवाइड हो रहा है, 4 भी डिवाइड हो रहा है, 5 भी डिवाइड हो रहा है. एलसीएम लिया कौन सा नंबर है, नहीं आप इसका वो मैं आपको उसके बाद तरीका कर बताऊंगा. तो इसका एलसीएम लिया 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आता है, 16. अब जब हम उसमें जब डिवाइड जब करते हैं ना उस नंबर पे, तो वो कहता है उसमें से 2 रिमाइंडर बचता है. 60 में अगर आप 2 आप ऐड करो ना, आपको पता चलेगा वो एग्जैक्ट वो नंबर 62. 62 पे आप 3 और डिवाइड करो ना, आपको पता चलेगा 2 रिमाइंडर बचता है. 62 पे 3 डिवाइड करें, 20 3 बार 60, 2 रिमाइंडर बच गया. 62 पे 4 डिवाइड करें, 15 4 बार 60, फिर भी 2 रिमाइंडर बच गया. ठीक है, 62 पे 5 डिवाइड करें, 12 5 बार 60, फिर भी 2 रिमाइंडर बच गया. समझा भी, तो ये इससे तरीकाकार होगा, आप इनका एलसीएम ले लें. एलसीएम से क्या होता है, हमें वो एक कॉमन नंबर पता है, और कॉमन नंबर कौन सा पता चलता है, लीस्ट कॉमन नंबर जो सबसे छोटा हो. देखो इसमें एक ऑप्शन 122 वाली भी है, 122 पे है ना, 122 पे 3 डिवाइड करें, 2 रिमाइंडर आएगा. 122 पे 4 डिवाइड करें, 2 रिमाइंडर आएगा. 122 पे 5 डिवाइड करो, फिर भी 2 रिमाइंडर आएगा. अब इसका मतलब इसमें 122 वाली ऑप्शन भी ओके हो रही है, लेकिन उसने कहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट आपका 62 हो. समझ आ गई, यहां से मुझे पता चला कि इसका मुझे एलसीएम निकाल, एलसीएम से आपको 62 आकर रख सकते हैं. अच्छा और इसमें जो क्वेश्चन देखो 14 और 13 पे चले सॉल्व करने, 13 के लिए क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करें. थर्टीन में कहता है कितनी गर्ल्स होंगी एक क्लास में. अब फिर उसमें ना क्लास में ना बॉयज और गर्ल्स की ना एक आपको वो आप कह लें कि एक वैल्यू बता रहे हैं कि बॉयज गर्ल्स के कितने गुना है या गर्ल्स बॉयज कितने गुना है. कहता है कि कितनी गर्ल्स होंगी एक क्लास में, और क्लास है टोटल 46 की, यानी कि टोटल बॉयज और गर्ल्स जो मिला जुला के हैं ना वो है 46 है. कहते हैं टोटल तादाद उनकी 46 है. ये वाला क्वेश्चन आपका सेम आपका क्वेश्चन 1 की तरह, जिसमें पैंट और शर्ट की प्राइस 52 से 50 थी, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू कितनी है 43 है. उसमें उसने कहा था कि जो पैंट की जो प्राइस है वो शर्ट का 2.5 गुना है. अब यहाँ पे कह रहा है कि जो बॉयज की जो वैल्यू है ना, बॉयज क्या थी, If the number of boys is 6 more than 3 times as many girls. जो boys है वो एक तो girls का 3 गुना है और उनसे भी 6 ज्यादा है. 6 more than 3 ज्यादा है किससे,
थ्री टाइम्स ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के तीन गुना से भी छह ज्यादा, ये बॉयज की वैल्यू। वहां पे पैंट की क्या वैल्यू थी, ढाई गुना ऑफ शर्ट थी वहां पे। वहां पे अब इसमें इसमें और उसकी रिजेम्बलेंस बनती है, ये और वो सेम एक वजह बनती है। बॉयज की जगह ये वैल्यू कुछ था, बॉयज की जगह क्या आ जाएगा, थ्री जी प्लस सिक्स प्लस जी इक्वल्स टू 46, ये थ्री जी और वन जी, ये फोर जी हो जाएगा। सिक्स इसको उधर जाके माइनस कर दो, ये आ गया 4G equals to 40 और G equals to 10। उस क्लास में 10 गर्ल है। इस तरह का क्वेश्चन सीएसएस के पेपर में आ भी सकता है। जैसे तो 22 के पेपर में क्वेश्चन पता है कौन सा आया था, ये क्वेश्चन 14 से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है 22 के पेपर में। 22 का पेपर अगर आपको चेक करो ना, 22 के पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट या 7 का ए पार्ट आपको उस पर आपको मिलेगा, वो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 14 के तरह, उसमें भी शायद उसने इवन या ऑड की बात की। ठीक है, मैं बता दूंगा, इसको नोट कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 को रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि सम ऑफ सी कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज 40 है। अगर तीन अगर मैं कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर अगर देखता हूं तो वो मेरे पास आते हैं 48, उनका सम 48 आता है। अब वो ये कहता है कि भाई मुझे बताओ उसमें से लार्जेस्ट वन कौन सा है, उसमें से लार्जेस्ट वन कौन सा है। अब मैं वो क्वेश्चन एक देख लूँ जो एक दफा 22 के पेपर में आया था, वो भी आपको मैं लिखवा देता हूँ। वो मैंने एक दफा बुक ऐड किया था, What are these three numbers? अब इसमें उसने तीन नंबर तीनों क्यों पूछे, कि तो पांच नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन मैच नहीं करता क्वेश्चन नंबर 14? इसमें तीन इवन नंबर का सम हो रहा है, उसमें तीन ऑड नंबर का सम हो रहा है, फर्क तो यही है। अभी आपको अदान के बाद में आपको गाइड कर देता हूँ, अदान से उसके बाद में गाइड दोनों गाइड कर देता।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में उसमें जो कर सम ऑफ सीक्वेंस नेगेटिव इवन है, सबसे पहले आप लोग ये चीज देखो, अगर वो कह देता है सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर, बस ओनली सिर्फ वो कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर कहता है, फिर आप लोगों ने उनको क्या ऐड करना है? अगर वो कहता है कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर फिर क्या ऐड करना है? अगर वो कहता है कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर फिर क्या ऐड करना है? ठीक है, इन चीजों को आप लोग देखिएगा। अगर तो वो कहता है कंसेक्यूटिव इंटीजर ओनली, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर को आप लोग ऐड करेंगे x, x प्लस वन, x प्लस टू एंड सो ऑन, x प्लस थ्री, x प्लस फोर, x प्लस फाइव। ये सिर्फ आप लोगों ने इंटीजर्स को अपने लेट किया, जो कि आप कह लो कि होल नंबर है, नेचुरल नंबर, राइट। अच्छा, अगर वो सिर्फ इवन नंबर कहता है, फिर इवन नंबर को आप लोग फिर कैसे लेट करोगे? इवन इंटीजर्स को आप कैसे आप लेट करोगे? 2x, 2x plus 2, 2x plus 4 and so on। ये आप लोगों के जो नंबर आएंगे ये आएंगे इवन इंटीजर, ठीक है। वैसे जो इंटीजर हैं x, x plus 2, x plus 3 इस तरह, इवन जो इंटीजर हैं वो आएंगे 2x, 2x plus 2, 2x plus 4, 2x plus 6, 2x plus 8 and so on। अच्छा, जो ऑड इंटीजर आप लोग लेट करोगे वो आप लोग क्या लेट करोगे? ऑड इंटीजर लेट करोगे 2x plus 1, 2x plus 3, 2x plus 5 and so on, क्योंकि इसमें ऑड आ रहा है 1, 3, 5, 7। तो 2x, 3, x + 1 या x, यहाँ पे हम x, x plus 2, x plus 4 हम क्यों ले रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि आपका मतलब ये सकता है यहाँ पे x पे तो आ सकता है x, x plus 2, x plus 4। अच्छा हाँ, उसको इवन बनाने के लिए कहते हैं, x की वैल्यू कोई भी एक रखो। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपका, आप x कोई भी मुझे वैल्यू बताओ, x कोई भी पर 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी 2 वैल्यू है। अगर x इज इक्वल टू 2 हो
मैं यहाँ पे अगर x प्लस वन लिखता हूँ वो कितना बनेगा, t बनेगा। अगर x की वैल्यू वन हो तो फिर क्या करोगे आप, कितना बनेगा, सिर्फ x रखो, टू इज नॉट एन ऑड नंबर। अब इसको इवन प्लस ऑड करोगे तब जाके वो ऑड आएगा, यानी कि अगर x की वैल्यू मैं कोई भी रख दू, चाहे मैं वन रख देता हूँ, टू इंटू वन प्लस वन कितना बनेगा ये, अच्छा x की वैल्यू मैं टू रख देता हूँ कितना बनेगा, टू इंटू टू, ये भी ऑड ही बनेगा। x की जो मर्जी वैल्यू रख दो, समझा गए, उसको ऑड करने के लिए मैंने पहले इसको इवन किया फिर प्लस ऑड, इसको इवन करने के लिए मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई किया। अगर मेरे पास x की वैल्यू आगे थ्री, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू थ्री है, मैं इसको लिख देता हूँ सिर्फ x प्लस टू x प्लस फोर, ये तो फिर सही एक्सेप्टेबल तो नहीं होगी, क्योंकि इवन नंबर है, इवन की जगह मैं यहाँ पे ऑड लिख रहा हूँ, ठीक है, समझा गए, इसलिए मैंने इसको टू में लिखा, समझा गए। ओके क्वेश्चन, आप जरा इसको सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 14 को, उसमें आप इनको आप लेट करो, 2x प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, उनका सम कितना हो रहा है 48, इन तीनों को सम करो और इनको लिखो इज इक्वल टू 48, यहां से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या आती है, 2x प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 48, x की वैल्यू निकालो 7 248 है, x की वैल्यू आएगी 2x 2x 4x और 2 6x 6x plus 6 is equal to 48, ये आएगा 6x is equal to 42, x is equal to 7, आप सर के पास x 7 आना चाहिए, चेक करें, शाबाश, इसको ट्राई करें, x की वैल्यू 7 आ गई। अब वो कहता है मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा था, 2x plus 4 था ना, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो 2x plus 4, क्योंकि सबसे बड़ा तो 2x plus 4 है, इसमें x की वैल्यू पुट करें कितना आया, नहीं 2 into 7 18 समझा गई, सबको क्लियर है, समझा दूं सर दोबारा समझा दें प्लीज, बेटा x की वैल्यू 7 है, यहां तक समझा गए जी सर, बेटा इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 2x plus 4 में, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर एट दिस टाइम ये है मेरे पास इवन में, 2 into x की जगह 7 plus 4 18 सबसे बड़ा नंबर। अब ये कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव मतलब आपके पास होंगे 14 16 और 18, इनको जमा करो दैट शुड बी इक्वल टू 48, क्योंकि उसने बोला कंसेक्यूटिव तीन इवन इंटीजर है और सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा अगर 18 है उससे छोटा 16 होगा, उससे छोटा 14 होगा, क्योंकि तीनों कंसेक्यूटिव है, एक ही लाइन में है 14 16, इसको आप ऑप्शन से वैसे भी आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन से आंसर वैसे पकड़ दे, तीन वैल्यू जमा कर दे 48 के बराबर जो सबसे बड़ी, उसको आप आंसर निकाल। अब जरा मुझे सीएसएस का क्वेश्चन करके दें जो आपको मैं लिखवाया, तीनों ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर को लेट करो, पहले को 2x plus 1 जी बेटा, ओके CSS का क्वेश्चन सॉल्व करो, 2x plus 1 plus 2x plus 3 plus 2x plus 5 is equal to, sum कितना था? 273, इनको 273 के equal रख दो, यहाँ से x निकालो, x निकाल के फिर x को यहाँ पे put करोगे तो पहला नंबर आएगा, यहाँ पे put करोगे दूसरा नंबर, यहाँ put करोगे तीसरा नंबर, तीनों नंबर फाइनल कर सॉल्व करें, और इसके साथ लिख ले CSS 2020। वो क्वेश्चन में लिखा है, नहीं लिखा हुआ, ये क्वेश्चन के बाद लिखा है, क्या था, तीनों नंबर मैंने बताओ, एक्स निकाल लो, एक्स की हेल्प से फिर तीनों नंबर निकाल लो, द सम ऑफ जी कंजर्वेटिव होल इंटीजर इज 273, व्हाट आर द नंबर, एक्स इज इक्वल टू 44 सर, बस ठीक है, चार शॉट के ऑप्शन, x is equal to 44, आप इसको यहाँ पे पुट करो पहला नंबर, x को 44, 44 यहाँ पे पुट करें दूसरा नंबर, 44 यहाँ पे पुट करें तीसरा नंबर, आपको पता चल जाएगा कौन से तीन नंबर,
तीनों को प्लस करो और टू साल से आप उसको वेरीफाई कर सकते। बेटा कुछ आपको क्वेश्चन में जो छोड़ा रहा हूँ, बाकी आप ट्राई कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लॉजिकल पे लेके जा रहा हूँ। बल्कि हाँ चलो अभी लॉजिकल पे लेके जा रहा हूँ, लॉजिकल के एंड पे जब कॉस्ट पे करेंगे फिर आप मैं थोड़ी सी कॉस्ट पे प्रॉफिट बता रहा हूँ। आप इधर लॉजिकल क्या लेना, लॉजिकल में भी इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, आप लोगों ने इनको इक्वेशन बना के आपने सॉल्व करना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन इक्वेशन के बगैर भी सॉल्व हो, लॉजिकल है, लॉजिक इनमें कोई ना कोई लॉजिक लगे। क्वेश्चन वन पर अटेम्प्ट करते हैं, पेज नंबर 54। आप लोगों का ये बुक में क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट होगा। पेज नंबर 54, लॉजिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में कहता है कि दो एक जैसे नलके हैं, टू आइडेंटिकल टैप्स हैं, दोनों एक जैसे नलके लगे हुए हैं और वो एक वाटर टैंक का 2/5 हिस्सा फिल करते हैं 20 मिनट में। दो नलके हैं, एक ये नलका है इससे भी पानी आ रहा है, एक ये नलका है इससे भी पानी आ रहा है और दोनों की रफ्तार एक जैसे, दोनों एक जैसे टू आइडेंटिकल है। और वो कहता है कि इस वाटर टैंक का जो 2/5 हिस्सा है ना वो 20 मिनट में फिल करते हैं। अब वो ये कहता है अगर इनमें से एक टैप अगर ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, खराब हो जाए, हम उसको बंद कर दें, एक टैप अगर मैंने बंद कर दिया बताओ उसका बाकी ऐसा किसी देर में फिल हो। अब ये इसका क्वेश्चन। अच्छा इसको अगर आप लोग इसको स्केच अगर एक ड्रॉ कर ले बेहतर है। 2/5 का मतलब क्या होता है, 5 में से 2 हिस्से। 2/5 का मतलब है 5 में से 2 हिस्से, इसका मतलब टोटल वाटर टैंक के 5 हिस्से हैं, 3, 4 और टोटल इसके 5 हिस्से, आखिरी 2 हिस्से बहुत बड़े हो गए, ये 2 हिस्से हो गए, 1 हिस्सा हो गया, ये 2 हिस्से, ये 3 हिस्से और ये 4 हिस्से, ये 5, ठीक है। चलो ओके, आखिरी ये जो 2 हिस्से हैं ना आप कह लो कि 5 में से 2 हिस्से फिल होते हैं 20 मिनट। ये कब फिल हुए, जब दोनों नलके ओपन थे, जब रवान थे, जब उन दोनों में से पानी आ रहा था। कहता अगर मैं एक नलका अगर बंद कर दूं तो ये 3 हिस्से कितने देर में फिला। आसान सा क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है ये, सिर्फ आप लोग ने इसकी कैलकुलेशन कर कितनी देर में फिल होंगे। नलका में जब बंद किया तो ज्यादा देर लगी, 60 मिनट, 30 मिनट में तब होगा जब दोनों नलके ओपन हो। अच्छा अगर दोनों नलके ओपन हैं, ये 2 हिस्से 20 मिनट में हो रहे हैं, इसका मतलब 1 हिस्सा 10 मिनट में हो रहा है। अगर 2 हिस्से 20 मिनट में हैं, तो इसका मतलब 1 हिस्सा 10 मिनट में, ये भी 10 मिनट में, इसका मतलब ये भी 10-10 में होना चाहिए। अगर तो दोनों नलके ओपन है, अगर तो दोनों फिर तो 10-10 मिनट में तीनों हो जाने चाहिए, 10-10-10। लेकिन जब एक टैप जब खराब होगी तो एक हिस्से पे डबल टाइम लगेगा, क्योंकि अब वो जो टैंक को फिल करना है सिर्फ एक नलके ने फिल करना है, उसने अपना काम भी करना है, उसने उसका काम भी करना है, अब उसको डबल पे टाइम लगेगा, 10 की बजाय 20 मिनट, टोटल 60 मिनट। क्लियर हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर क्लियर नहीं चाहते तो फिर आपको ये स्केच आपको बना के फिर उसको आपको बताना पड़ेगा। लेकिन यूनिट मेथड में एंड में हमें उसको बताना पड़ेगा भाई एक नलका बंद, क्योंकि यूनिट मेथड ने तो अपने हिसाब से सॉल्व कर दिया। यूनिट मेथड में देखो ना, वो कहता है जो 2/5 पार्ट है वो हो रहा है 20 मिनट में। पहले यूनिट मेथड में करवाया था, उसमें पहले हम एक हिस्सा हम चेक करते हैं, एक पार्ट कितने दिन में फेल होगा, 20/2/5 ये होगा, 20/5/2 ये होगा 50 मिनट। अब इसके कितने हिस्से बाकी बच गए, 3 हिस्से,
तो 3/5 ऐसा कितनी देर में होगा, ये होगा 50/3/5, ये उसने आपको कितना आपको बताया 30 मिनट। अब ये 30 मिनट क्यों बता रहा है, यूनिट मेथड को ये तो नहीं पता कि आपने 1 मिनट का बंद कर दिया, उसने तो उसी हिसाब से बताना है ना जिस हिसाब से ये चल रहा है ये सिस्टम। एंड पे जाके आप उसको मल्टीप्लाई 2 करके आप उसको बताओगे कि भाई एक नल का इसमें से ड्राई हो, दैट इज वाई इसको डबल इसको टाइम लगेगा 30 × 2 = 16। समझा गए, यानी कि ये यूनिट मेथड से सॉल्व होता है, लेकिन एंड पे जाके आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपने एक नल का इसमें से बंद करवा दिया, तो बंद करवाया तो इसलिए इसमें डबल टाइम लग रहा, नहीं तो 30 मिनट ओके राइट आंसर। ठीक है, इसको शॉर्ट नोट कर, नहीं फिर स्केच की तरह दोनों बना दो, 5 नंबर के साथ तो दोनों बना दो, पहले उसको इतना समझा दो, फिर उसको यूनिट मेथड के साथ करके फिर एंड पे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको ये भी बता दो कि इस तरह भी है इस तरह, क्योंकि 5 नंबर में जितनी आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो कर दो, लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए। क्वेश्चन 2 में मुझे आंसर बताएं, बड़ा कौन सा क्वेश्चन है, आप लोग इसकी कैलकुलेशन समझ करो। क्वेश्चन 2 इसमें आपको आंसर आएगा 80 आया सबका आंसर, कोई किसी के कोई गेस्ट कम आ रहे हो या गेस्ट को ज्यादा आ गया, गेस्ट 80 आया ना बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बाद में पढ़ लेना यार। हमने भी यार गाड़ी जाकर पढ़नी, अच्छा चलो ठीक है 10 मिनट ब्रेक का, ठीक है सर ये क्वेश्चन 2 करवा दे प्लीज। अच्छा क्वेश्चन 2 बेटा मैं करवा दूँ, आप 10 मिनट के ब्रेक कर, मैं तो क्वेश्चन 2 करवाता हूँ ऑनलाइन क्या है बेटा। देखो उसने कहा आप भी जब ब्रेक करो नमाज पढ़ो, क्वेश्चन 2 में बेटा उसने ये कहा है कि 7 बजे पार्टी शुरू हो रही है और पार्टी है 7 से लेकर 9:30 बजे तक है, 9:30 बजे तक पार्टी है, ठीक है। वो कहते हैं कि और गेस्ट किस तरह आ रहे हैं, हर 15 मिनट में 8 लोग आ रहे हैं, अगर 15 मिनट में 8 लोग आ रहे हैं तो मतलब 30 मिनट में 16 आएंगे, अगर 30 मिनट में 16 आ रहे हैं तो इसका मतलब 60 मिनट मतलब एक घंटे में 32 आएंगे, ठीक है। 7 से 9:30 बजे तक कितने घंटे बनते हैं, 2.5 घंटे, डेढ़ ही ढाई, ये 2.5 घंटे हैं, और जल्दी खर्चा बचा रहे हैं। 2.5 घंटे में कितने लोग आ जाएंगे, अगर 1 घंटे में 32 हैं तो 2 घंटे में 64 होंगे, और अगले आधे घंटे में 16 और आ जाएंगे। एक्चुअल में कैलकुलेशन जी है ये सारी है, 2 घंटे में 64, अगले आधे घंटे में 16 और टोटल 80 पीपल है, ठीक है बेटा। 10 मिनट की ब्रेक कर रहे हैं, 7:30 में बेटा 7:40 पे दोबारा क्लास स्टार्ट लेते हैं। अच्छा अभी मेरे पास 7:36 हो गए, 7:45 दोबारा आ जाए, ठीक है 7:45 पे।
तुमने क्या किया उस वक्त से? Thank you.
started. Question number three. Question number three में कहता है कि if the product of five integers is an odd integer, अगर मैं तीन numbers को आपस में ज़रब करता हूँ, तो इसको पांच numbers को अगर आपस में ज़रब करता हूँ, तो वो मुझे एक odd number देता है। कहता है बताओ exactly उन पांच में से कितने odd होने चाहिए? मैं पांच numbers को आपस में multiply करता हूँ, एक, दो, तीन, चार और पांच। तीन को अगर मैं ज़रब करूँ तो मुझे एक odd number मिलता है। वो कहता है बताओ इन पांच को जो ज़रब कर रहे हो इन में से कितने odd होने चाहिए? क्या कौन सा क्या odd है? एक number odd रखूँ, दो number odd रखूँ, तीन रखूँ, चार रखूँ, ये पांच के पांच सारे odd होंगे। समझा गए क्वेश्चन की? कि उनका प्रोडक्ट मुझे odd मिलने चाहिए। अच्छा पहले मैं एक नंबर में odd रख के चेक करता हूँ। मतलब जी अगर odd हो और इन सब को अगर मैं इवन रख दूं, चारों मैंने इवन रख दिए, आप बेशक 2, 4, 6, 8 भी रख सकते हैं। वैल्यू मैंने सिर्फ 2 रखी ताकि आपको कैलकुलेशन करके आता हो जाए, आपको ज़रब करने में ताकि आपको आता है। 3 2 बार 6, 6 2 बार 12, 12 2 24, 24 2 बार 48, 48 ये तो एक इवन आ रहा है, और तो नहीं आ रहा। अच्छा अगर मैं 2 नंबर अगर ऑड रखूँ, वो कहता है इनमें से कितने ऑड होने चाहिए? अगर मैं 2 नंबर में ऑड रखता हूँ, इनको ज़रब करो, क्या आपका आंसर ऑड आ रहा है? 3 3 9 2 18, 18 2 36, 36 2 72, ये भी एक इवन है। अच्छा अगर मैं 3 नंबर अगर ऑड रखता हूँ तो 3 3 9 3 27 54 108 108 इवन है, ये भी ऑड नहीं है। अगर मैं 4 नंबर अगर ऑड रखता हूँ, मैंने आपको वही बताया, चाहे आप यहाँ पे 5 7 9 रख लें कोई मतलब नहीं, लेकिन आपकी कैलकुलेशन पे बढ़ जाएगी, बड़ी वैल्यू पर आपको जाना पड़ेगा, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसलिए आप 3 3 रख लें बेहतर है। 1 1 भी रख सकते हैं, 1 एक ऑड नंबर है, 1 1 बेशक रख दें। जीएसए में तो अलाउ नहीं, ऑप्शन में अलाउ, जीएसए में अलाउ नहीं। अच्छा 3 3 9 9 3 27 27 3 81 2 162, ये भी एक इवन है। इसका मतलब मेरे पास 5 के 5 ऑड होने चाहिए। आप इनको मल्टीप्लाई करें, 9 27 81 81 3 243, that is an odd number। तो यहाँ से मुझे एक पॉइंट ये समझ आई कि जब भी odd को odd से ज़रब करेंगे आंसर odd ही देगा। अच्छा चाहे 5 हो, 4 को ज़रब करें, फिर भी आपका आंसर odd ही आएगा, 3 3 81। 3 नंबर ज़रब करो, फिर भी odd आएगा। 2 नंबर ज़रब करो, तब भी odd आएगा। लेकिन जैसे मैं एक भी इवन ऐड करता जाऊंगा, सब को इवन कर, तो ये आप लोगों ने पॉइंट बीच में याद रखना है कि जब भी ऑड को ऑड से ज़रब करना है आंसर ऑड ही आना, चाहे वो 2 नंबर दें, चाहे वो 3 है, चाहे वो 10 है, चाहे 15, चाहे 20 है, ऑड को ऑड से ज़रब करोगे आंसर ऑड ही। समझा गई? ये इसका मेन इसका दूसरा पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आमिर फाइंड्स दैट ही हैड 7.20 इन पॉकेट। आमिर के पास पॉकेट में 7 रुपए 20 पैसे। ही हैज एन इक्वल नंबर ऑफ 50 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन। उसके पास जितने 50 पैसे वाले सिक्के हैं उतने ही 10 पैसे वाले सिक्के हैं, बट नो अदर कॉइन नॉन एनी अदर करंसी स्टोर, कोई कॉइन करंसी स्टोर नहीं है। बताओ हाउ मेनी टोटल कॉइन है, उसके बाद टोटल कितने कॉइन है? अब इसमें दोनों तरीके हैं, एक इक्वेशन मेथड, एक नंबर तरीका, दूसरा शॉर्टकट, मतलब दूसरा तरीका, ठीक है। अच्छा अब इसमें आप देखो, आप पहले आप इसकी इक्वेशन आप बना के आप चेक करो, इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, फिर आप इसकी ऑप्शन को आप चेक करते हैं, देखो तो उसके हिसाब से आप इसका सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसकी इक्वेशन इसकी पहले अगर शॉर्टकट अगर चेक करो, वो कहता है टोटल उसके पास 7 रुपए 20 पैसे हैं, उसके पास जितने 50 पैसे वाले क्वाइन हैं
उतने ही उसके पास 10 पैसे वाले कॉइन है, और अगर इन दोनों को अगर जमा किया जाए तो टोटल 7 रुपया 20 पैसे बन। ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है 8 कॉइन। 8 कॉइन का मतलब ये है 4.50 पैसे वाले, 4.10 पैसे वाले, क्योंकि उसके पास इक्वल नंबर है, जितने 50 पैसे वाले उतने 10 पैसे वाले। ये 4.50 पैसे वाले कितने रुपए बनते हैं? 2 रुपए। ओके, 2 रुपए सबको आइडिया है, ठीक है। असल में आप लोग माचल सारे जंग है ना, आप लोग को नहीं पता होगा कि पैसे क्या है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ठीक है। ये 200 पैसा मीन्स ये 2 रुपीज, ये 40 पैसा, 10 पैसे के 4.40 पैसा। अच्छा, ये तो 2 रुपए 40 पैसे बन गए, 7 रुपए 20 पैसे, ठीक है। अगर आप बी ऑप्शन चेक करो ना, 24 कॉइन वाली, वो ओके होगी। 24 कॉइन का मतलब यह है 50 पैसे वाले 12 कॉइन और 10 पैसे वाले भी 12 कॉइन। अगर ये 50 पैसे वाले 12 कॉइन है तो ये बनते हैं 6 रुपए, ये 10 पैसे वाले 12 कॉइन है तो ये बनते हैं 120 पैसा। 120 पैसा मीन्स 1 रुपया 20 पैसा। 6 रुपए और 1 शेयर 20 को जमा करो, 7 शेयर 20। मतलब अगर मैं ऑप्शन पे चेक करूं आंसर से, वन पेपर के लिहाज से, तो आप लोगों को पता चलेगा इसमें 24 पॉइंट होकर राइट आंसर। लेकिन अभी आप लोगों को इक्वेशन समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोग आगे माशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें जीएसए में आप जाओगे, वहां पे आप लोगों को फिर इक्वेशन ही काम आएगी, वहां पे ऑप्शन का सारा नहीं होगा। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, किसी की ध्यान में आ रही है इक्वेशन इसकी? इसकी इक्वेशन ये बनती है कि जितने 50 पैसे वाले सिक्के हैं उतने ही 10 पैसे वाले सिक्के हैं, और अगर इनको जमा करें तो ये 7 रुपए 20 पैसे, ठीक है। लेकिन अभी ये यूनिट सेम नहीं है, ये पैसा है, ये पैसा है, यहाँ पे भी पैसा होना चाहिए, तो इसको आप रखेंगे 720 पैसा। समझ आ गई? क्योंकि ये 50 पैसा, 10 पैसा, 720 पैसा, यूनिट नंबर सेम थी। अगर आप इसको अब 7.20 आप देखो, फिर इनको आपको 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा, ये भी रुपए में कन्वर्ट करोगे, ये भी रुपए में, उस कैल्शियम लेगे 100 उधर जाकर उसको फिर 720 ही कर देंगे, 5 शेयर 20 को, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट आप 720 आप लिखो, ये हो गया 60x, 50x और 10x, 60x एक्स इक्वल टू वैल्यू 12 कॉइन, 50 पैसे वाले 12 कॉइन है 10 पैसे, इसको मैंने एक्स लेट किया तो उसको मैंने एक्स लेट किया, 12 कॉइन 50 पैसे वाले, 12 कॉइन 10 पैसे वाले, ये इनको जमा करो 720 पैसे, ठीक है। इसको इस तरह के क्वेश्चन पेपरों में आए हुए, ये जैसे पांचवा क्वेश्चन है दो नहीं है, इधर से काउंट करो तो तब भी वही है, इधर से काउंट करो तब भी वही है, इसका मतलब थोड़े 37 है। मुझे बताएं सबको ओके, क्या मैं समझा दूं? समझा दूं यार, अगर को मतलब तो फ्रेंड मुझे बताया कि समझा दूं मैं, कोई
मैं ये समझता हूँ कि शायद सबको समझ आ गई, तो फिर इसलिए मैं कभी कभार फिर आगे चले जाता हूँ, मुझे लाजमी बताया। देखो वो कहता है एक साइड से अगर मैं काउंट करता हूँ यानी लेफ्ट साइड से, तो पाकिस्तानी फ्लैग आता है 25वें नंबर पे, ठीक है। वही अगर मैं इस साइड से अगर मैं काउंट करूं तो वही पाकिस्तानी फ्लैग, डिफरेंट नहीं है, वही फ्लैग वो 13वें नंबर पे आता है। फ्लैग एक ही है, फ्लैग दो नहीं है। इसका मतलब अगर 25वें नंबर पे आता है तो उसके लेफ्ट पे 24 फ्लैग है, अगर इस साइड से अगर 13वें नंबर पे आता है तो उसके राइट पे 12 फ्लैग है। 24 और 12 कितना हो गए 36, एक जो पाकिस्तानी फ्लैग होते हैं ये होता है। ये तो एमपीटी में भी इस तरह एक क्वेश्चन निकाल दिया, ठीक है। सीटीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, एक पर्सन है उसका एक स्क्वेयर फार्म हाउस है, पहले डिस्कस किया हुआ है, एक उसका एक स्क्वेयर फार्म हाउस है, वो अपने स्क्वेयर फार्म हाउस के गेट इस तरह दरख्त लगाना चाहता है कि हर साइड पे वो 5-5 दरख्त लगाना चाहता है, टोटल कितने दरख्त लगेंगे, हर साइड पे 5-5 वो दरख्त लगाना चाहता है, कितने दरख्त लगेंगे। अब अगर इतना आसान सवाल है तो उसमें बोले तो उसमें लॉजिक पॉइंट होगा, ये रूम स्क्वेयर फॉर्म है तकरीबन, ये रूम तकरीबन स्क्वेयर फॉर्म है, हर साइड पे 5-5 दरख्त लगाओ कितने दरख्त लगेंगे, बाहर वाली साइड पे हर साइड पे आपने 5-5 दरख्त लगाओ 16 कैसे बने, वो जो कॉर्नर वाले जो दरख्त है ना, कॉर्नर वाला दरख्त कॉमन, कॉर्नर वाला दरख्त उस लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉर्नर वाला दरख्त उस लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ आई कुछ। मसलन एक कॉर्नर में ये जो दरख्त है ना, ये इस लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये मैं इस तरह बना रहा हूँ, जब होगा तो वो बिल्कुल ऐसे स्टैंड फॉर्म में होगा दरख्त, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5 टोटल कितना होंगे 16 था। नहीं असल वो स्केयर फॉर्म है ना, स्केयर फॉर्म आप लोगों ने फॉर्म को जब आप लोगों ने कवर करना है ना साइड को, तो फिर वो कॉर्नर ये आपका आ जाएगा, तो आपने इसको कवर करना है, कॉर्नर में जो आएगा ना वो फ्लैग या ड्रग जो भी है उस साइड को भी इस साइड दोनों को रिप्लेस करना, समझ आ गई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर्मूला कौन सा होगा, फॉर्मूला है नहीं पैरामीटर से, तो 20 जाएंगे वो वो पैरामीटर सब आप काउंट अप करोगे, जब वो कहे कि ये साइड 2 मीटर की है, ये साइड 2 के, ये साइड 2 के, ये साइड, तब मुझे पैरामीटर बताओ, तब आप पावर ठाप करोगे, सिर्फ साइड के अगर वो पावर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इलेक्शन में जितने तो थे ही 2 कैंडिडेट, सिर्फ 2 कैंडिडेट थे और इलेक्शन हुआ, और वो कहता है कि उनमें एक कैंडिडेट ने 60% वोट दिए हैं दूसरे कैंडिडेट, और वो 500 वोटों से ज्यादा जीता है, जो जिसके 60% वोट है ना उसके वोट दूसरे से 500 वोट ज्यादा नहीं, बताओ टोटल कितने वोट का, टोटल कितने वोट पास। अब इसमें दोनों तरीके हैं, इक्वेशन भी है, शॉर्टकट भी है। जब भी वो नंबर ऑफ वैल्यूज की बात करेगा ना, जैसे वो पॉइंट की बात कर रहा था कि टोटल कितने पॉइंट है, जब भी नंबर ऑफ वैल्यूज की बात करेगा उसमें फिर उसका शॉर्टकट भी तकरीबन लगता है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन 6 में कहते हैं कि 2 कैंडिडेट्स हैं और इन दोनों में कितने वोटों का फर्क है, 500 वोटों का फर्क, इसकी इक्वेशन क्या बन सकती है, कितना
एक्स प्लस नहीं एक्स माइनस, उन दोनों में 500 वोटों का फर्क है, सम नहीं होता। हाँ आप ये कह सकते हो x इज इक्वल टू 500 प्लस y, अब ये आप कह सकते हो जब y को जाकर माइनस करोगे तो x माइनस y हो जाएगा। अच्छा इसको x के बजाय मैं इसको a और b रख रहा हूँ क्योंकि x मैंने लेट करने हैं टोटल वोट, ठीक है। इसको मैं रख रहा हूँ a और b दोनों में कितने वोटों का फर्क है, 500 वोटों का फर्क। एक एक कैंडिडेट ए एक कैंडिडेट बी है, जो ए कैंडिडेट है उसके बी से 500 वोट ज्यादा है, ए माइनस बी मैंने किया तो 500, यानी ए में से बी जब मैंने माइनस किया तो 500, ए के 500 वोट ज्यादा है। अब वो ये कहता है कि ए ने कितने वोट लिए, 60%, ए के आगे 60%, किसका 60%, टोटल टोटल मैंने लेट किए एक्स, लेट टोटल वोट बी एक्स, ठीक है। अगर इसके अगर टोटल का 60% है फिर हारे होके कितने होंगे, नहीं उससे 60% वोट ज्यादा नहीं लिए, इसने टोटल वोटों का 60% लिया। अगर वो ये कहते ना इससे उससे 60% ज्यादा लिए फिर मैं इसको 160% पे ले सकता हूं, इसके 60% है तो फिर इसके कितने होंगे 40%, माइनस 40% ऑफ टोटल दैट इज इक्वल टू 5, ये इसकी इक्वेशन है। ए की जगह टोटल का 60% माइनस बी की जगह टोटल का 40%, इन दोनों का फर्क कितने के बराबर है, 500 के बराबर, समझा गई इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम से 100 एलसीएम 60x माइनस 40x इक्वल्स टू 500, ये आ गया 20x। बेटा आप में किसी का माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए, 20x ओवर 100 इक्वल्स टू 500, ये 25, 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 500 उधर 5 25, टोटल वर्क कितने 25 है, ठीक है। ओके शॉर्टकट से अगर मैं चेक करूं ए ऑप्शन क्या है 25 का, मैं कहता हूं मैं ए ऑप्शन को चेक करता हूं ये ऑप्शन क्या राइट है, तो मुझे बताएं जो जीता हुआ उसके कितने वोट हैं, 60%, 2500 का 60% चेक करके जाऊं, मैं ये ऑप्शन को चेक करता हूं 2500 का 6% 60% कितना बनता है, एक ग्रेड से एक ग्रेड से ये बनेगा 1500 वोट, 1500 वोट। अच्छा अगर जीते हुए के जो ये है जो जीता हुआ है उसके अगर 1500 वोट है फिर बी जो हारा हुआ है लॉस्ट वाला है उसके कितने होंगे, 1000, लाजमी बात है टोटल अगर 2500 है तो जिसके जीते हुए के 1500 दूसरे के पर 1000 ही होंगे, 1000 1500 तभी 2500 होते हैं ना। आप इन दोनों में देखो क्या इन दोनों में 500 का फर्क है, है इसके 1500 वोट है इसके 1000 वोट, 500 वोटों का फर्क है ना, उसने खुद यही बोला है कि जो जीता हुआ है उसके वोट 500 ज्यादा है, 1000 और 1500 देखो आप 1500 के 500 वोट ज्यादा बनते हैं 1000 से, तो इसका मतलब 25 आपका राइट ऑप्शन। हम लोगों ने जब भी ऑप्शन को हम लोगों ने चेक करना है हमें उसके साथ साथ स्टेटमेंट हमें समझनी चाहिए, स्टेटमेंट समझेंगे तो तब हम लोग उसको ऑप्शन पुट कर सकते हैं कि ऑप्शन ने स्टेटमेंट के लिहाज से ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 25, ये सेम है बेसिकली, क्वेश्चन 7 8 13 25 ये क्वेश्चन ए की पैटर्न, इन सब क्वेश्चन के अंदर जो आपको मैंने बोला 7, 8, 13 और 25 इन सब में आप लोगों ने कॉमन वैल्यू आपने लिखा है, कॉमन वैल्यू मतलब क्वेश्चन 7 को पढ़े आप क्वेश्चन 7 में कहता है कि स्कूल है जिसमें 150 स्टूडेंट्स हैं टोटल ओवरऑल 150 स्टूडेंट है, जिनमें 100 बच्चे ऐसे हैं जो कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 70 बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये कितने होंगे,
ये तो 170 होगा, क्लास में 150 बैठे 170 कहते हो, उनमें कितने काम करते हैं, उनमें 20 स्टूडेंट काम करते हैं। अब ये गलत एक जबानी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है भाई, वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई क्लास में 150 बच्चा बैठा है लेकिन उनमें जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो 100 हैं और जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो 70 हैं। इस तरह जब मैंने काउंट किया तो 170 बनते हैं, मुझे बताया जा रहा है भाई क्लास में 150 बच्चे हैं, ये 170 कैसे हो गया। 170 में से जब मैं 150 माइनस करूंगा मुझे पता चलेगा कि भाई इनमें 20 बच्चे ऐसे हैं जो कि फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। अब मैं कहता हूँ आप लोग 40 बच्चा अगर बैठे फॉर दम, मैं कहता हूँ मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, उनमें से 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ पढ़ रहे हैं और 30 ऐसे जो लिटरल पढ़ रहे हैं, ये तो फिर 60 हो गए बच्चे मेरे सामने 40 बैठे हैं। 60 में से 40 माइनस करूंगा मुझे पता चलेगा 20 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ रहे हैं लिटरल भी साथ पढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से डबलिंग हो रही है, जिनकी वजह से वो कॉमन उनमें से 20 हैं जो दोनों क्लासेस ले रहे हैं। समझ आ गई। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आप माइनस करके आप कॉमन निकालते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपको कॉमन गिवन होता है आप लोग उसमें से इंडिविजुअल आप निकालते हो। क्वेश्चन 8 जरा पढ़े, क्वेश्चन 8 में आपको कॉमन गिवन, क्वेश्चन 8 में कहते हैं उन दोनों में 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 2 पढ़े ना, अब उसमें पहले आप काउंट करोगे 100 बनेंगे, 100 में से 35 फिर आप माइनस करो, इंडिविजुअल स्टूडेंट आपको पता चलेगा 65। क्वेश्चन 8 पढ़ लेंगे फिर सब आपको आईडिया हो जाएगा। ठीक है, ओके। जो क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन 13 करने वाले, 13 नंबर इसको रिसॉल्व करें, 13 नंबर। ऑनलाइन बेटा 13 को सॉल्व करेंगे। जो क्या क्या स्कोर आया बेटा आपको, क्या स्कोर है स्क्रीनिंग? नहीं नहीं वैसे खुद काउंट नहीं किया था, काउंट रोल नहीं आया था बेटा। आपका कितना आए थे मार्क्स, काउंट किए थे आपने बेटा? काउंट किए? काउंट नहीं किए, वो स्लिप नहीं ली, वो जो होती है वो क्या उसको बोलते हैं की कार्बन पेपर, कार्बन शीट। आप तो कितने नंबर? 104। हाँ जी बच्चों आपके काउंट नहीं किए? अच्छा 24 में अटेम्प्ट देना है, ओके 110 आप 102 80 बच गया। हाँ जी 120 बेटा आपके 118 या 180 18 102 आपके सर जी कितने आए हैं स्क्रीनिंग में? 109 89 ओके 104 80 अबव है ओके। नहीं उन्होंने वो सही है, अभी वो रिजल्ट आएगा फिर पता चलेगा, कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं। 90 85 आपके कितने हैं सर? मेरे 40 बबल्स रहते हैं, 40 बबल्स रहते हैं। अच्छा वैसे वैसे कितने मार्क्स आपने काउंट किए थे? बस ठीक है, तो आपके कितने हैं? 104 ओके। आपके सर जी कितने हैं? 117 गुड। 90 110 ट्रिपल में गुड। 120 आपके कितने हैं? 93 एक तो स्कोर में ओके। मेरे एक स्टूडेंट जो उनके सब ज्यादा 140 की रेंज में थे, 144 या 145 तक थे, और भी उनका कोई करंट अफेयर जीके वगैरह बुक देते थे रिलेटिव उनके काम थे, लेकिन जो ये पहले इन बच्चों से मैं ये डिस्कस कर रहा था, बहुत से स्टूडेंट मुझे कह रहे थे सर जी तब एबिलिटी ने बचा दिया,
एबिलिटी में नहीं आया, काफी क्वेश्चन इतने मिलते जुलते आए हुए, काफी क्वेश्चन आए हुए थे। मुझे एक अच्छी बात है, आप लोगों ने एबिलिटी मास्टर में पढ़ा हुआ था, कुछ ना कुछ उसका आपको फायदा। उर्दू कहते हैं उर्दू डिफिकल्ट होता है, ग्रामर थी सारी, ग्रामर थी क्या था इसमें, बहुत सारे इसमें नकल इसमें भी चीजें थी। अब की जगह वो घर जाने होंगे अब के जमा वो भी नहीं इधर वो आप तेरा काउंटर क्या निकाले भाई। तेरा में कहता है टोटल 78 स्टूडेंट है, टोटल 78 स्टूडेंट है जिनमें 41 बायो के हैं और उसमें 22 जो है मैथमेटिक्स के हैं। अब ये कहता है कि 41 बायो के हैं, 22 मैथ के हैं, जिनमें से बायो और मैथ जो ले रहे हैं ना उनमें 9 दोनों कोर्सेज में शामिल है, 9 यानी कि उनमें कॉमन है, 9 जो दोनों कोर्सेज में शामिल है, मतलब 9 कॉमन है उसमें। देखो इसमें सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि टोटल स्टूडेंट इसमें ना 78 है, उनमें से जो बायो वाले हैं वो है 42, 41 और मैथ वाले 22 है। बायो के 41 है, मैथ के 22 है, ये टोटल हो गए 63। लेकिन फिर वो एक और इन्फॉर्मेशन देता है कि ये जो 63 है ना इनमें 9 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों कोर्सेज में शामिल, यानी कि 9 कॉमन है। आप इसमें से 9 कॉमन आप माइनस करवाओ, आपको पता चलेगा एक्चुअल में 54 बच्चा है जो इन दोनों कोर्सेज में शामिल है मैथ और बायो में। समझ आ भी जाता है, लेकिन उसने ये पूछा है मुझे वो वाले बच्चे बताओ जो इन दोनों कोर्सेज में शामिल नहीं है, वो कितने होंगे। टोटल 78 थे ना, 78 में से इस कोर्सेज को माइनस कर आपको पता चलेगा 24 ऐसा बच्चा है जो कि इन दोनों कोर्सेज में शामिल है। ठीक है, समझा गई। अगर हमें कॉमन वाला कंसेप्ट ना पता हो तो ये क्वेश्चन गलत होता है, तो ये कॉमन वाला कंसेप्ट आप लोगों को याद है। इस तरह का क्वेश्चन एक ADFIA के पेपर में भी आया था 2-2.5 महीने पहले, वो भी इसी तरह। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 का कर दे, टोटल 78 था, 78 में से बायो और मैथ को उसने जब काउंट किए तो 63 बनते हैं, लेकिन उन 63 में भी वो कहता है कि 9 ऐसे बच्चे हैं जो कॉमन है। आप पिछले क्वेश्चन में देखो कॉमन मैंने माइनस कर दिया था, इसमें से कॉमन माइनस करोगे आपको पता चलेगा कि इंडिविजुअली अगर देखा जाए ना इंडिविजुअली बायो मैथ के सिर्फ 54 ही, यानी पूरी क्लास बायो मैथ के 54 की है, लेकिन ओवरऑल क्लास में 78 बैठे हैं। अब वो कहते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जो इन दोनों कोर्सेज में शामिल नहीं है, 78 में से ये दोनों कोर्सेज निकाल, 24 ऐसा बच्चा है जो कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे, बायो मैथ वो नहीं पढ़ रहे, वो किसी और कोर्सेज में शामिल। ठीक है, 24 यानी कि कॉमन माइनस करके 78 में से चुरंजा में माइनस कर। 25 को बड़ा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 25 को शाबाश पढ़े आपको आइडिया हो जाएगा ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है। ओके 25 में कहता है कि भाई ये जो हलीमा है ना उसने 12 कॉलेज में अप्लाई किया और सादिया ने 10 कॉलेज में अप्लाई किया, टोटल एप्लीकेशन कितने कॉलेज में गई, 22 में हलीमा की तरफ से 12 कॉलेज और सादिया की तरफ से 10 कॉलेज। फिर उसके बाद कहता है बिटवीन देम इन 22 में से दे अप्लाई टू 16 डिफरेंट कॉलेज, उनमें से 16 ऐसे कॉलेज हैं जो कि डिफरेंट है, यानी कि जहां पे हलीमा की एप्लीकेशन गई वहां पे सादिया की एप्लीकेशन नहीं गई, जहां पे सादिया ने अप्लाई किया वहां पे हलीमा ने अप्लाई नहीं किया, डिफरेंट। कहता है मुझे बताओ कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे हम दोनों की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, इसका मतलब वो कॉमन आपसे पूछ रहा है। 22 में से 16 निकालोगे, 6 ऐसे कॉलेज हैं जहां पे हम दोनों की तरफ से एप्लीकेशन जो कि कॉमन है। ठीक है, अच्छा
इसी तरह इसमें आप बाकी क्वेश्चन आप देखो जो पीछे जो क्वेश्चन थे आपके पास है इसको क्वेश्चन को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 ये इसके बाद हमारे जो लेक्चर है उस पे आप लोगों को मैं ज्योमेट्री में करवाऊंगा और ज्योमेट्री के साथ आप लोगों को मैं करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री हाँ डायरेक्शन प्रॉब्लम ये मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके बाद इंशाल्लाह मेरे जो लेगा अभी आपको दो क्लास है आपको और मैं करवाऊंगा उसके बाद हमारे जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने एनालिटिकल को तो स्टडी कर लिया था ना एनालिटिकल रीजनिंग आपको जो मैं आपको जो बताया था वही आपका पेपर में आना है लीनियर ऑर्डर वो मेन है ठीक है उसके अलावा आपको खुद भी आप करो खुद आपने अटेम्प्ट नहीं किया खुद आप अटेम्प्ट करोगे सारा आपका अटेम्प्ट आपको देखो मेन लीनियर ऑर्डरिंग है मेन आपको जो करवाना है मैंने आपको स्टैट का पोर्शन करवाना है हिस्टोग्राम पिक्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पाई चार्ट वेन डायग्राम बार चार्ट मल्टीपल बार चार्ट कंपोनेंट चार्ट ये चीजें आपको मैंने करवानी जो कि आपके 2016 में आई हैं 2017 में आई हैं 2018 में 2019 में 2021 में 2023 में फिर आनी है आ सकती है ठीक है तो इसलिए आप लोगों को ये चीजों का पता वो आपको मैं उससे अगली क्लास में करूंगा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने ज्योमेट्री के फॉर्मूले याद कर दें ज्योमेट्री के फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे लास्ट क्लास बस उनको एक दफा दोबारा रिमाइंड कर याद होंगे क्वेश्चन नंबर 10 नाइन तो बड़ा आसान का क्वेश्चन है कहता है एक वीक में कितने घंटे होते हैं बड़े आसान पेपर एक वीक में कितने दिन है एक दिन में 7 दिन या एक हफ्ते में 7 दिन 7 × 24 का आपको एक हफ्ते में पूरा घंटे बता दो एक हफ्ते में सेकंड कितना होंगे उसको 3600 एक घंटे में 3600 सेकंड होते उसको 60 तरफ देंगे तो मिनट हो जाएंगे फिर उसको 60 तरफ देंगे अब आपसे पूछ भी सकता होगा अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 8 एक टू डिजिट नंबर है और उस टू डिजिट नंबर में जो दो नंबर आ रहे हैं ना उनको अगर मैं आपस में प्लस करता हूँ तो वो 8 बनता है ठीक है अच्छा फिर कहता है अगर मैं उन डिजिट्स को रिवर्स कर उनको अगर मैं एक फॉर एग्जाम्पल एक नंबर 4 है एक नंबर 5 है 4 को 5 की जगह 5 को 4 की जगह उनको अगर मैं रिवर्स कर दूं द न्यू नंबर इज इंक्रीज बाय 54 जो नया नंबर बनता है वो 54 बढ़ जाता है वो 54 इंक्रीज हो जाता है बताओ एक्चुअल में वो नंबर क्या है तो कहता है कि द नंबर इज फाइंड द नंबर अब इसमें ये वैसे तो वन पेपर का क्वेश्चन है ये ना वन पेपर का क्वेश्चन है एक्चुअल में ठीक है क्योंकि इसके वो कहता है कि इनमें से बताओ इनमें से कौन सा नंबर है इसका सीएस सब पॉसिबल नहीं है वो कहता है इनमें से कौन सा नंबर है क्योंकि आपको नंबर आपको इनमें से लेना पड़ेगा नंबर है एक है 17 एक है 26 और एक है 37 और एक है 44 क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले तो उसने जो शर्त जो बताई है ना कि टू डिजिट नंबर है ये सारे टू डिजिट फिर कहता है अगर मैं टू डिजिट नंबर को आपस में जमा करूं तो 8 बनता है ये सारी शरायत ओके है 1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 3 + 5 = 8 4 + 4 = 8 अभी तक मैं इसमें से कोई ऑप्शन कट नहीं कर सकता ठीक है अगर इनमें एक ऑप्शन एक और होती ना 2 और 7 इसको मैं कट कर देता क्योंकि इसका सम 8 नहीं बनता ओके हो गया अच्छा उसके बाद वो कहता है भाई अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर इसको रिवर्स करो 71 इसको रिवर्स करो 62 इसको रिवर्स करो 53 इसको रिवर्स करो 44 रहेगी कहता है जब मैं डिजिट्स को रिवर्स करता हूँ तो वो नंबर 54 बढ़ जाता है देखो किस में 54 का गैप है इसमें 17-71 में 26-62 में 54 का गैप आया 35-53 का गैप आया जिसमें किसमें 54 का गैप आया 17-71 में 17 और 71 में 54 का गैप 71 में से अगर आप 17 माइनस करो ना आपको पता चलेगा इसमें 54 का गैप वही कहता है जब मैं डिजिट जब मैं रिवर्स करता हूँ तो 54 बढ़ जाता है जब मैंने 17 को 71 किया तो वो 54 बढ़ गया 17 में 54 ऐड करो ना इनमें ऐड करो तो ये 71 ही बनता है अगर इसमें 54 ऐड करो ठीक है
यस तो शायद तुम आपका 17 आपका आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आपको अपना सॉल्व करने वाला है, 12 आपको मैंने करवा दिया है, 13 पे हो गया, 14 आप लोगों को दिखा दिया. ये तो बाल्टी खाली होती है, नेल है. लेकिन आखिर इसमें मैं स्टेटमेंट को अगर मैं जब दोबारा पढ़ूंगा ना, दोबारा पढ़ने तो मुझे ये पता चलेगा कि भाई बाद में जो पानी जो रिमूव हुआ है वो रिमेनिंग का रिमूव हुआ है. जो 3/5 जो रिमूव किया बाद में वो रिमेनिंग का, वो पूरी का नहीं है. अगर पूरी बाल्टी का मैं 3/5 रिमूव कर दूं फिर तो सारे ही निकल जाएगा पानी, उसमें से बाल्टी खाली हो जाएगी. तो सबसे पहले आप 38 का 2/5 चेक करो, 38 का 2/5 कितना होगा. कहता है पूरी बकेट में 38 लीटर पानी है, पहले मैंने उसमें से 2/5 रिमूव कर दिया. 38 का पहले हम लोग चेक करते हैं 2/5 कितना बनता है. 38 का 2/5 ये बनेगा 5. 5 को 38 पे जरा सॉल्व करें कितना बनता है, जरा डिवाइड करें. नहीं नहीं इसको 5 और 38 को कैंसिल करें, 7.6 आ रहा है. 7.6 कितना आता है ना, 7.6 ठीक है. फिर भी चेक कर लें, 5, 7, 35 तीन बज गया, 0.56 बज. ओके तो ये 7/2 तरफ दिए तो आया 15/2. सर ये 15/2 जो लीटर है ना ये आपने उसमें से रिमूव कर, ये आपने बकेट में से आपने पानी आपने उसको निकाल दिया. आप पीछे कितना बचा रिमेनिंग, पहले आप रिमेनिंग चेक करो. रिमेनिंग लगा 38 में से 15/2 निकल गया, पीछे आपके पास कितना बचा, 22.8 लीटर पीछे बच. ठीक है अब ये जो रिमेनिंग जो बच्चा है ना इसका आपने 3/5 आपने रिमूव कर, समझ आ गई. इसका कितना 3/5 कह रहा ना, इसका आप लोगों ने 3/5 एंड देन 3/5 ऑफ द रिमेनिंग वाटर, इसका 3/5 चेक करो. सेकंड आप कह लो कि सेकंड रिमूवल आप कह लो, आप इसको सेकंड रिमूवल कितने हो जाए 22.5 का 22.8 का 3/5, इसको जरा 5 को 22.8 पे डिवाइड करो, 5, 4 बार 20 दो बज गया, 0.5 नीचे नहीं लाना, 0.5 को ऊपर ले लिया, 8 नीचे आ गया, 5, 5, 25 3, 0.5 लगा हुआ है 0 लगाओ, 5, 6 बार 3 तो ये आ गया. इसको कट किया तो ये आ गया 4.56. 4.56 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3, 6, 18 1, 3, 5, 15 1, 16 1, 3, 6, 12 और 1, 13 इस चारिये के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट का पॉइंट लगा, ये आ गया 13.68. ये भी आपने रिमूव कर दिया उसमें. अब वो कहता है भाई आप मुझे भी बताओ बकेट में कितना पानी, पहले कितना बचा था 22.8, उसमें से 13.68 भी निकालो. तो नाउ रिमेनिंग वाटर इज इक्वल टू 22.8 में से 13.68 जब आप माइनस करोगे, मैं आपको इसको माइनस भी कर देता हूँ, माइनस कैसे करना है, 22.8 माइनस 13.8. अब ये जो है ना 8 के साथ जीरो अपनी तरफ से, पॉइंट के राइट साइड पे जितने मर्जी जीरो बढ़ाते जाओ कोई, ठीक है 8 के साथ जीरो अपनी तरफ से लिख दिया. ये 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बच गया 7, 7 में पीछे 1, 22 में से 13 गया 9, 9.12 लीटर बकेट में बच.
ठीक है, अगर उसने रिमेनिंग का वर्ड ना यूज किया होता ना फिर दिल, तो कहते हैं ना कि 3/5 बाद में हमने रिमूव किया वो, फिर उसने सारे के सारे उसने रिमूव कर। ये क्वेश्चन आपके चीज प्रश्न आ सकते हैं, लेंथी जब आपके क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, जो कैलकुलेशन लेंथी क्वेश्चन होता है वो फिर आपके सीएसएस के लिए एक्सपेक्टेड होता है। फिर 15 नंबर का चेक करें, 15 नंबर की आप लोग इक्वेशन क्या बना सकते, रीजन क्या है बेटा, मैं ये देखो ना आपने इसको रिमूव किया ना 13/68, ये इसमें से रिमूव किया, रिमूव मतलब आप इसमें से निकाल दो माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा जी, अब जो 15 नंबर क्वेश्चन है ना इसमें स्टूडेंट आप गलती क्या करता है, स्टूडेंट गलती ये करता है जो आप लोग अभी कर भी रहे होंगे, आप लोग 840 का 1/4 लेकर आप उसमें से माइनस कर रहे हो, 840 का 1/4 लेकर आप उसमें से माइनस कर रहे हो। अच्छा ये जो 1/4 है ये 840 का नहीं है, अब स्टेटमेंट को अगर आप दोबारा पढ़ो ना वो ये कहता है 1/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 840 कॉस्ट तो नहीं, 840 आपकी सेल प्राइस है, ये 1/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन ये बनेगी कॉस्ट प्राइस में उसी कॉस्ट प्राइस का 1/4 आप ऐड कर दो तब जाके 840 का सेल होता है। कोई भी दुकानदार है ना, जब दुकानदार कोई भी अपने चीज फरोख्त करनी होती है ना, मसलन हाँ दुकानदार फॉर एग्जाम्पल अगर वो 10 रुपए की अगर मैं चीज लेके आता है ना, फिर उसमें ये इसकी कॉस्ट है, फिर उसमें वो अपना प्रॉफिट ऐड करता है, मतलब प्रॉफिट उसने बीच में ऐड किया 3 रुपए, वो आगे उसको 13 रुपए का बेच देता है, ये जो 3 रुपए प्रॉफिट है ये किस पे लगा रहे हैं, ये कॉस्ट पे लगा रहे, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया तो उसने सेल कर दिया। अब वो ये कहता है उसने प्रोडक्ट उसने सेल की 840 की, ये एक्चुअल में ये फार्मूला होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था याद है, प्रॉफिट हमने पढ़ा था सेल माइनस कॉस्ट, ये पढ़ा था ना, यहाँ से जरा सेल निकालो, सेल क्या निकलती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही आती है ना, अगर कॉस्ट पे जरा अपना प्लस कर दूं तो ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही आएगी सेल, तो ये जो अपने सेल किया है ना 840 का, 840 को अपने सेल किया, वो ये कहता है मुझे बताओ उसकी कॉस्ट क्या होगी, जबकि उसमें अपने प्रॉफिट जो ऐड किया कॉस्ट का 1/4 ऐड किया, कॉस्ट में रखता हूँ एक्स है, उसमें प्रॉफिट कितना है उसी कॉस्ट का 1/4, 1/4 ऑफ एक्स, तब जाके 840 को सेल, समझ आई। अब इसको आप सॉल्व करो कैसे, 4 कैल्शियम है ये 4x प्लस एक्स इक्वल टू 840, ये आ जाएगा 5x, 4 उधर जाके दरब हो गया और नेक्स्ट स्टेप में 5 का उधर डिवाइड कर 840 दरब 4/5, इसको सॉल्व करें आपका आंसर आएगा 672। अच्छा आप 840 से 1/4 लेके अगर आप माइनस करोगे ना उसकी ऑप्शन भी दिया, 630 अगर आप 840 का 1/4 लेके उसमें से माइनस करोगे ना वो भी ऑप्शन दिया, 840 का 1/4 कितना आता है वो उसमें से माइनस करो 630 या 20 वो हमने कहना देना हमारा आंसर तो ओके है, ये गलत क्यों कर रहा है आंसर की है शायद लेफ्ट पे ऐसी कुछ गलती है, 125/100 4/5
बात एक है चार और सौ बटे ऑफिस की चीजों बता रहे ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट का पकड़ फिर तो बात कर रहे हैं पर चार ऐड तो और अगर आप इसके ऑप्शन को चेक कर लो जल्दी आंसर आ जाएगा। अच्छा बाकी अब इसके अकाउंट आप खुद कीजिएगा। मैं आपको ना क्वेश्चन ये कि आपको मैं इसके पास पेपर ने सोचा आपको आइडिया दूँ फिर भी इनमें से जो भी ना क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होता आप इसका फिर आपका पास पेपर की तरह आइएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34 और पिछले चैप्टर के क्वेश्चन होते आपको 31 नंबर इसके अंदर देखिएगा। 31 और 32 जो है इन दोनों का कंसेप्ट एक जैसा है, दोनों में आप लोगों ने सिंपली एलसीएम निकाला। अच्छा 31 को जरा पढ़ते हैं। 31 क्या कहता है 2017 का पेपर का क्वेश्चन कहता है अली एक पेपर को 30 मिनट में मार्क करते हैं जबकि असलम एक पेपर को 25 मिनट में मार्क। ठीक है अली को पेपर मार्क करते हुए 30 मिनट लगते हैं, असलम को पेपर मार्क करने में 25 मिनट लगते हैं। फिर कहता है इफ दे बोथ स्टार्ट मार्किंग एट 10 एम अगर वो दोनों 10 बजे अगर पेपर मार्किंग अगर स्टार्ट करें एट व्हाट टाइम वो कौन सा वर्क होगा एट व्हाट टाइम दे विल फिनिश मार्किंग एट द सेम टाइम वो कौन सा टाइम होगा जिस वक्त वो इकट्ठी अपनी मार्किंग फिनिश करें। यानी कि इधर अली ने भी अपना पेपर उसने खत्म कर लिया फिनिश किया, इधर असलम ने भी अपना पेपर फिनिश किया। आप लोगों ने वो कॉमन टाइम निकालो, कॉमन टाइम हमेशा एलसीएम से सॉल्व करो। कॉमन टाइम जो होता है ना कॉमन टाइम, जैसे पिछले भी आप लोगों को मैंने पिछले चैप्टर आपको क्वेश्चन में बताया था कि वो कौन सी वैल्यू जिस पे 3 भी डिवाइड है 4 भी डिवाइड है 5 भी डिवाइड है कॉमन वैल्यू कौन सी थी वो मैंने एलसीएम से निकाला था। इसमें अब आप लोगों ने उसमें कॉमन टाइम निकालना है। कॉमन टाइम कैसे निकालते हैं हमेशा एलसीएम से। 15 और 30 का एलसीएम निकाला कितना आता है, सॉरी 30 और 25 का एलसीएम, 30 और 25 का एलसीएम निकालो। एलसीएम 30, 30, 25, 30 कितना है 150। इसका मतलब 150 मिनट के बाद जाके जो टाइम आएगा ना उस टाइम पे अली भी अपना पेपर फिनिश कर चुका होगा, असलम भी अपना पेपर फिनिश कर चुका होगा। उसने नंबर ऑफ पेपर्स की बात नहीं की, जितने मर्जी पेपर फिनिश करें लेकिन उसने आपसे एक कॉमन टाइम पूछा है जिस टाइम पे अली भी पेपर चेक करके वेला बैठा है, असलम भी पेपर चेक करके वेला बैठा है। वो आप लोगों ने वो कॉमन टाइम आपने निकाला। अच्छा इन्होंने पेपर शुरू किया था 10 बजे। अब एग्जैक्टली अब हम लोगों ने टाइम बताना है कि किस वक्त जाके उन दोनों का पेपर इकट्ठा फिनिश हुआ। देखो उनका पेपर स्टार्ट हुआ 10 बजे, ये क्वेश्चन नंबर क्या 31 कहते हैं कितने बजे जाके उन दोनों का पेपर इकट्ठा खत्म होगा। हमारे पास एलसीएम आया 30 और 25 का, हम लोगों ने जब एलसीएम निकाला 5, 6, 5, 5 फिर 6 और 5 1 और फिर 6 1 और 1 5, 5, 25 और 6 150 इसका मतलब प्लस 150 मिनट हम करेंगे तो उसके बाद जाके जो टाइम आएगा वो उनका कॉमन टाइम आएगा। इसमें 150 मिनट ऐड करो, 150 मिनट का मतलब 2.5 घंटे 2 hours and 30 minutes। आप इसमें 2 hours and 30 minutes ऐड करो आपको पता चलेगा 12:30 बजे अली का पेपर भी फिनिश हो रहा है, असलम का पेपर फिनिश हो रहा है। अच्छा इसको प्रैक्टिकली अगर आप चेक करना चाहो कैसे, 10 बजे पेपर शुरू हुआ, अली का पेपर और असलम का पेपर, पहले अली है पहले असलम है, पहले अली है ना, अली कितने मिनट है, अली के 30 होते, अली का पेपर पहले कितने फिनिश होगा, कितने बजे 10:30 क्योंकि 30 मिनट पेपर मार सकते हैं,
इसका पेपर फिनिश होगा 10-25 पे, क्योंकि 25 मिनट बाद का, क्या ये कॉमन टाइम है? नहीं, इसका पेपर फिनिश होगा 11 बजे, इसका पेपर फिनिश होगा 10:50 पे, ये भी कॉमन टाइम नहीं है। ये 11:30, ये 11:05 आएगा, कितना 11:15 ओके। इसका पेपर होगा 12 बजे, इसका पेपर होगा 11:40 पे, इसका पेपर होगा 12:30 बजे, इसका पेपर फिनिश होगा 12:05 पे। अगर इसको मैं यहीं पे अगर कांस्टेंट अगर रखूं, इसका एक पेपर 12:30 बजे, इसका भी एक पेपर होगा, चाहे इसका नेक्स्ट पेपर 1 बजे होगा, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों ने वो कॉमन टाइम निकालना है, किस टाइम पे जाके इसके और इसका दोनों का पेपर फिनिश। देखो 12:30 बजे इसके पेपर फिनिश हुआ, इसका फिनिश हुआ है ना, दोनों का 12:30 भी पेपर फिनिश हुआ है ना, ये 12:30 इनका कॉमन टाइम, उसने नंबर ऑफ पेपर नहीं पूछे, उसने कॉमन टाइम आपसे पूछा, किस वक्त जाके दोनों पेपर अपना फिनिश करेंगे, कॉमन टाइम 12:30। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह, उसमें भी आप लोगों ने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि मोहित ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मोहित वाज ट्राइंग टू स्लीप एट वन नाइट बट देयर वाज टू मच नॉइज, लेकिन काफी ज्यादा शोर था जिसकी वजह से वो सो नहीं सका। अब शोर क्या था, इस क्लॉक टिक्ड एवरी 5 सेकंड, उसके जो क्लॉक था वो तो खराब था, तो हर 5 सेकंड के बाद तो टिक की आवाज करता है, और टैप वाज डिपिंग एवरी 7 सेकंड, तो नल तो ओपन रह गई जिसमें हर 7 सेकंड की बात हुई वाटर डिपिंग की आवाज आती है। इसी तरह वो कहता है कि उसने एक पालतू कुत्ता रखा हुआ, पेट डॉग, स्नोर्ड एवरी 12 सेकंड, और वो ऐसा कंसिस्टेंट उसने पालतू कुत्ता रखा जो हर 12 सेकंड की बात भी पूछता है, ठीक है। अब उसने ये कहता है कि उसने जो महसूस किया, नोटिस ऑन हिज क्लॉक, उसने अपने क्लॉक पे ये नोटिस किया दैट ऑल थ्री थिंग्स हैपेंड टुगेदर ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। मिडनाइट कैसे कहते हैं, रात 12 बजे, उसने ये फील किया, उसने ये नोटिस किया कि भाई एग्जैक्टली जब 12 बजे है ना, तब ये तीनों आवाजें उसको एट अ टाइम उसको फील हो जाए, डॉग की भी आवाज, वाटर डिपिंग की भी आवाज, और क्लॉक की जो टिक की आवाज, वो भी उसको उस वक्त फील हो। अब उसका क्वेश्चन ये है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी सेकंड ऑल थ्री थिंग्स विल हैपन टुगेदर, बताओ कितने सेकंड के बाद जाके ये तीनों आवाजें एट अ टाइम से इकट्ठी आएंगी। अब एट अ टाइम मतलब आप लोग इन तीनों वैल्यू का आप लोग कैलकुलेट, आपको पता चल जाएगा इन तीनों वैल्यूज का कॉमन टाइम कितना है, 5, 7 और 12 का एलसीएम। अब इसका एलसीएम लेने का नितिन जी का क्या होगा, 5 को 7 से और 7 को 12 से ड्रॉप कर दें, क्योंकि तीनों वैल्यू डिफरेंट है ना, जब एक दूसरे पर जब डिवाइड ना हो रही हो तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5, 7 और 12 को ड्रॉप करने कितना होता है 420 सेकंड। इसका आंसर आएगा After 420 seconds, all three things will happen together again. समझ आ गई? एक तो ये exact answer ये, आप इसको इसके बाद आप इसको ये भी लिख सकते हो कि at 12:07, क्यों? 420 seconds का मतलब है 7 मिनट, लेकिन exact answer 420 seconds है, तो उसने सेकंड में आपसे आंसर पूछा, आपने सेकंड का अपना आंसर दिया है। एडिशनल तौर पे आप उसको लिख के बता सकते हो कि या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12:07 में तीनों आवाजें कट, क्योंकि 420 सेकंड में 7 मिनट बने, 420 को 60 पे डिवाइड करें 7 मिनट बनते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये 33 नंबर, अच्छा जो अभी आप लोगों को क्वेश्चन मैंने दो बताया ना, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और पास पेपर में आएगा, पता नहीं वो एफपीएससी पास पेपर था या पीपीएससी में स्टूडेंट डिस्कस करते रहते हैं। एक क्वेश्चन एक आया हुआ था कि एक एक रो में ना 4 स्कूल है, थोड़े थोड़े फासले पे हैं, 4 स्कूल हैं, एक स्कूल में हर 15 मिनट के बाद रिंग होती है, बेल होती है, एक स्कूल में हर 20 मिनट के बाद रिंग होती है, एक स्कूल में हर 30 मिनट के बाद रिंग होती है, एक स्कूल में हर 60 मिनट के बाद रिंग होती है, ठीक है। वो ये कहता है कि अगर इन चारों स्कूल में अगर 11 बजे अगर इकट्ठी अगर रिंग हो, इकट्ठी रिंग 11 बजे चारों स्कूल में, तो बताओ फिर कितने बजे जाके चारों स्कूल में इकट्ठी दोबारा रिंग होगी,
एग्जैक्टली 12 बजे 60 मिनट बाद 12 बजे इन चार स्कूलों में फिर से इकट्ठे रहेंगे। वैसे तो बीच में रिंग होती रहेगी, हर 15 मिनट बाद रिंग भी होगी 20 मिनट, लेकिन इकट्ठी कब होगी? एग्जैक्ट 12 बजे जाके। क्यों? 15, 20, 30, 60 कैल्सियम आता है 60 मिनट के बाद जाके इकट्ठे रहेंगे। ये क्वेश्चन आए हुए पेपर में, आपका नेक्स्ट में आपका रिपीट भी हो सकता है। तो इसका बेसिक आपने कंसेप्ट आपने ये याद रखना है, जब कॉमन टाइम कहेगा तब। एक और क्वेश्चन भी आए हुए हैं, उसका एक खुलासा आपको बता दें, यानी कि उसके एक एग्जांपल ये है। जैसे ये मैं कहता हूँ कि कलमा चौक है, कलमा चौक का जो सिग्नल है वो हर आप कह लो सेकंड मिनट चल रहा है, हर 2 मिनट के बाद बंद होता है। जोहर टाउन का सिग्नल हर 3 मिनट के बाद बंद हो रहा है। ये बरकत मार्केट का सिग्नल हर 4 मिनट के बाद बंद हो रहा है। अगर ये तीनों सिग्नल अगर एट अ टाइम अगर 10 बजे अगर बंद हो, फिर किस वक्त जाके ये तीनों सिग्नल एट अ टाइम बंद होंगे? 10-12 पे, 2-3-4 कैल्सियम आएगा 12। सर 10:12 पे एग्जैक्टली ये तीनों सिग्नल फिर बंद होंगे, चार सिग्नल। अभी इनमें कॉमन टाइम आपने लिखा भाई, ये कंसेप्ट आप याद रखना, नेक्स्ट टाइम पर पेपर में आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 33 है, ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, जिसमें ना किसान हर वक्त अपने जानवरों की कभी सर काउंट करता रहता है, कभी टांगे काउंट करता रहता है, कभी सिर काउंट करता रहता है। ये क्वेश्चन एफपीएससी में भी रिपीट हो चुका है, वन पेपर में, पीपीएससी में भी रिपीट हो चुका है, ये सीएसएस 2019 के पेपर में भी आ चुका है। और ये इस नोट्स में आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के सेम इसमें मिलता जुलता है, 27 भी यही चीज है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अगर कभी ये क्वेश्चन अगर आ जाए ना, नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने इसकी एक इक्वेशन याद रखनी है, हेड की अलग इक्वेशन बनानी है, फीट या लेग कोई भी वर्ड तो आप लोगों ने अलग करनी है, फिर आप लोगों ने दोनों इक्वेशन आपस में सॉल्व करनी है। मैं आपको इक्वेशन क्वेश्चन को पढ़िए, आपको पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहता है कि एक किसान है जिसने कुछ मुर्गियां और कुछ खरगोश पाले हुए। अब वो कहता है कि एक दिन उसने काउंट किया तो उसको टोटल 70 हेड उसको मिल गए, 70 हेड मिल गए। क्वेश्चन में 33 उसको टोटल जो 70 हेड लग रहा है, अब लाजमी बात है, एक अंडरस्टूड बात है कि हैन का भी एक ही सर है, खरगोश का भी एक ही सर है, इसका मतलब रैबिट और हैन मिला जुला के 70। इसकी समझ आ गई? मतलब ये इक्वेशन आसान है, ये मुश्किल नहीं है, हेड हेड वाली इक्वेशन, ये दोनों मिला जुला के 70 है। उसमें रैबिट चाहे 50 है, 20 है, 60 है, हमें उससे गर्ज नहीं, बस मिला जुला के 70 रखो। ये हेड की इक्वेशन। अच्छा, दूसरी, अब आप लोगों ने इसकी लेग की इक्वेशन कैसे बनानी है। रैबिट की कितनी टांगे होती है? 4। ये सबको ओके है ना? सारे एग्रीड है ना इसमें? नहीं, अब इसमें असल में एक एक्सेप्शनल केस ये है, एक्सेप्शनल केस ये है कि मैं क्लास में पढ़ा था, एक तो स्टूडेंट कहते थे मैं गांव में वहां पर वो खरगोश में बैठा हुआ था, तो उसकी सर उसकी दो टांगे होती है, दो टांगे नहीं उसकी 4 टांगे होंगी, उसने भागना भी तो है, तो बार रैबिट की 4 टांगे, ठीक है, ये आएगा 4 ऑन, ओके। अच्छा, हैन की कितनी टांगे हैं? 2, ये आएगा 2H, ये इक्वल टू आ गया कितने है टोटल लेग? 196। ये देखिए आपके दोनों इक्वेशन, मेन काम है आपका इक्वेशन का बनना, इक्वेशन बन के तो क्वेश्चन सॉल्व। इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल के रिपोर्ट कर, वो याद है वो हमारा एज प्रॉब्लम, हमारा क्वेश्चन आया था फादर और सन की एज का सम 82 है, यहाँ तो मैंने किसी एक की सन की एज निकाल के मैंने रिपोर्ट कर दी। यहाँ से या तो आर की वैल्यू निकाल लो या एच की वैल्यू निकाल, आर की वैल्यू निकालेंगे क्या बनेगी? 70 माइनस एच। अगर मैं आर की वैल्यू निकालता हूँ तो वो बनेगी 70 माइनस एच। इस आर की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी, एन की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 4 × आर की जगह 70 माइनस एच प्लस 2H इक्वल्स टू 196, ये 4×70 280 माइनस 4H प्लस 2H इक्वल्स टू 196। अच्छा, ये आ जाएगा 280
माइनस टू एच इज इक्वल टू 186. आप क्या करो, 186 को इधर ले और 2h को उधर ले जाओ. 280 माइनस 196 और इस 2h को उधर ले, 2h उधर जाकर प्लस हो जाएगा. ये कितना आएगा, 280 माइनस 196 84 और उधर से 2 को डिवाइड इधर कर दो, उधर h रह गया, हैन कितनी आ गई 42. ठीक है, अब ये जो h की वैल्यू है ना, एच की वैल्यू को जो वन में पुट करके यहाँ से आर निकालो. ठीक है, पुट इन वन, इसको वन में पुट करके हम लोग आर की वैल्यू निकाल लेते हैं. रैबिट प्लस हैन, हैन की जगह 42 इज इक्वल टू 70. तो रैबिट आ गया 70 माइनस 42, रैबिट आ गया 28. अब उसने इसी पे इक्तफा नहीं किया कि रैबिट कितने हैं कितने हैं, उस दाले में ये पूछा है कि बताओ मुर्गियां रैबिट से ज्यादा कितनी. उसने ये नहीं कहा कि मुर्गियां बताओ रैबिट बताओ, उसने कहा मुर्गियां रैबिट से ज्यादा कितनी है. 42 में से 28 माइनस करो, आपको पता चलेगा कि 14 हैंस आर मोर देन रैबिट. ठीक है जी, आप लोगों का एग्जैक्ट राइट है. जिस तरह उसने वो 2021 के पेपर से पूछा था कि बताओ उस वक्त बाप की एज क्या थी जब उसका बेटा पैदा हुआ, उसने ये नहीं पूछा था कि बाप की एज क्या है बेटे की एज क्या है, उसने ये पूछा जब बेटा पैदा होता था बाप की एज क्या. ठीक है, अच्छा बेटा मुझे आखिरी क्वेश्चन कौन से, फिर आप लोग क्लास करते हैं. लास्ट क्वेश्चन 34 का आपका बेटा. बुक में मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, नोट में इसका आंसर नहीं है. 34 का जिनको का बुक है अभी आप लोगों ने बताना नहीं है. 16 और फिर बाकी ओके, बाकी अभी ट्राई करते हैं, बाकी बच्चों को रजिस्टर कर. अच्छा जी, क्वेश्चन मैं आप लोगों को रीड आउट कर देता हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं. कहता है अगर एक मैं वॉशिंग पाउडर का पैकेट अगर लेता हूँ ना, उसमें से एक टोकन निकलता है और वो जो दुकानदार है ना जिसने मैं लेता हूँ, उसने एक स्कीम दी हुई है. ये पहले ऐसी स्कीमें कई होती थी, वो स्कीम देता है कि जी अगर 4 टोकन अगर वापस करोगे तो भाई आपको एक फ्री का पैकेट मिल जाएगा. अब वो कहता है अगर मैं टोटल 64 अगर पैकेट खरीदता हूँ, मुझे फ्री के पैकेट कितने मिले अगर टोटल 64 के. तो देखें क्वेश्चन नंबर है ये 34. देखें अगर मैंने 64 अगर पैकेट अगर खरीदे हैं, 64 पैकेट ये मैंने किए परचेज किया, तो इनमें से कितने टोकन निकलेंगे. 64 टोकन, क्योंकि हर पैकेट में से एक टोकन निकलता है. ठीक है, अब उसने जो शर्त लगाई वो कहता है भाई 4 टोकन के अगेंस्ट एक फ्री का पैकेट है, मैं उसको वापस करता हूँ. 64 टोकन मैंने उसको वापस किए, 64/4 उसने मुझे 16 उसने मुझे फ्री के पैकेट. ठीक है, अच्छा सारे स्टूडेंट 16 लगा के आए भाई. जब 16 पैकेट आपने लिए हैं यार, उनको दोबारा फिर से ओपन कर लो. 16 पैकेट जब आप ओपन करोगे उसमें से कितने टोकन निकलेंगे. 16 वापस करके भाई 4 पैकेट आप उससे और ले लो, जो ले सकते हो ले लो. अच्छा अब 4 पैकेट फिर से खोलो, कितने निकलेंगे. 4 टोकन वापस करो, 4/4 एक फ्री का पैकेट और ले. टोटल 21 है, नॉट 16, टोटल 21 पैकेट. हाँ उसने फ्री की पूछा ना, अब क्वेश्चन देखो उसने फ्री की पूछा है कि उसको फ्री के पैकेट कितने मिले. 21 इसका राइट आंसर. मोस्ट स्टूडेंट ने 16 लगाया क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था. 21 इसका राइट आंसर. नेक्स्ट पोटेंशियल ऑफ दिस क्लास में मैंने जैसा आपको मैंने बताया ज्योमेट्री के फॉर्मूला काम कर दिया है.
सर काइंडली सर सर ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिएगा, वो नेट का प्रॉब्लम है। बेटा इसको रिपीट कर, मैं तो देखो 64 आपने पैकेट आपने खरीदे, जब आपको पता है कि चार टोकन के अगेंस्ट मुझे फ्री के पैकेट मिल सकते हैं तो आप उसको वापस करो। ये अगर तो आप लेके अब अपने पास आप रख रहे हैं, इसका मतलब हमें फ्री के हमें और नहीं चाहिए। 16 पैकेट जब आप लोगे तो उनको जब आप ओपन करोगे उसमें से 16 टोकन और भी निकलेंगे, निकलेंगे ना, तो 16 टोकन जब आप वापस करोगे तो उसमें से चार आपको फ्री का और मिल जाएंगे। वो उसने क्वेश्चन में उसने ये पूछा ना, क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि टोटल आपको फ्री के पैकेट आपको कितने मिलेंगे। एन को जब आपने ओपन किया उसमें से चार टोकन और निकले, चार के अगेंस्ट आपको एक और मिल गया, टोटल 21 आपके राइट। ठीक है, ओके जी, थैंक यू दोस्तों, फॉर्मूला याद करके आता हूं।